आवाज नहीं आएगी ना। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला। कहा जाता है कि महिलाएं घर की शान होती हैं, महिलाएं घर और परिवार दोनों के बीच का संतुलन होती है। और यदि मैं भारतीय परिपेक्ष में देखूं तो भारतीय परिपेक्ष के आधार पर कहा जाता है कि महिलाएं नव रूपों का पूर्ण रूप से अपने आप में एक सर्वस्व देवी स्वरूपा होती हैं। और नौ रूपों के इन्हीं रसों के रूप में कहीं पर माँ, कहीं पर बेटी, कहीं पर बहन के रूप में, कहीं पर दोस्त, कहीं सखी, कहीं संगिनी के रूप में हमारे साथ आज आपके बीच हैं। नागपुर की नहीं, विदर्भ की नहीं, मध्य भारत की लाडली बेटी, लाडली बहन, सबसे करीबी दोस्त और सबसे खास बात हमारी अपनी जनप्रतिनिधि श्रीमती आभा बिज्जू पांडे जी। आभा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों जी। आदरणीय आभा दीदी, देखिए इस सत्र को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या है। दरअसल लव जिंदगी एक कंसेप्ट है जहां पर हम लोगों के भीतर सकारात्मकता, प्रेरणा या प्रेरक बातें न सिर्फ किताबों के माध्यम से प्रस्तुत करें। आपने देखा होगा कि किताबी बातें बहुत चलती हैं। हमने एक नया प्रयोग किया कि उन लोगों को हम सामने लेकर के आए जिनके माध्यम से लोग प्रेरित हो सके। जब हम बात करेंगे संघर्ष से सफलता की, तो संघर्ष और सफलता दोनों के बीच एक बहुत बारीक सी लकीर होती है, और यदि उसे देखना आ गया तो आप उच्च स्थान पर पहुंचने के बाद भी संतुलित रहते हैं, धैर्यवान रहते हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं नागपुर की महानगर पालिका की इकलौती निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विजय श्री प्राप्त करके सदन के भीतर पहुंचने वाली, और जो लोग आभा दीदी को जानते हैं वो नौ रूपों का दर्शन इनके अंदर कर सकते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो दुर्गा बनेंगी, जब जरूरत पड़ेगी तो काली बनेंगी, जब जरूरत पड़ेगी तो वो शांत सौम्य स्वभाव के साथ में आपको प्यार करने वाली पार्वती भी बन जाएंगी, और जब जरूरत पड़ेगी आन पर आएगी तो अपने पति के लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहेगी। अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक सही रूप में जो व्यक्तित्व नागपुर शहर के भीतर जाना और पहचाना जाता है। और मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में विदर्भ के अंदर यदि कोई एक महिला जनप्रतिनिधि इकलौती है जिसने अपनी छवि को बरकरार करके रखा है, सो वो है आभा बिज्जू पांडे जी। सो आभा दीदी, आप तैयार हैं? जी हाँ, बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल जी। चलिए फिर हम लोग आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैं पहले बताऊं कि मैंने नागपुर की बेटी आभा क्यों रखा। मैं 2018 में दीदी के घर गया लेकिन घर का पता मुझे नहीं मिल रहा था। अब दीदी को बार बार कौन फोन करे, कॉरपोरेटर हैं, बड़े पद पर हैं, डांट फटकार दें, तो इससे बेटर है कि मैंने कहा चलो लोगों से पूछते हैं। इन्होंने मुझे कुछ तो भी पता समझाया था, अब ये जल्दबाजी में रही होंगी, मैं पता समझने में शायद मुझसे दिक्कत हो गई। मैं गोल 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 कहीं घूमने की कोशिश कर रहा था तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि आभा पांडे जी के घर जाना है, क्या आप पता बताएंगे? आप यकीन नहीं करेंगे, उस व्यक्ति ने मेरा पीछा करके, यानी मेरी गाड़ी के साथ साथ चल करके वो मुझे इनके घर तक पहुंचा करके आया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। यदि आप हमारी दीदी से मिलने आए हैं, हमारी बेटी से मिलने आए हैं, और उनको ये पता था कि मैं बहुत दूसरे शहर से आ रहा हूं, इसलिए उन्होंने मुझे इनके घर तक पहुंचाया, तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि क्या सचमुच में आप लोग इतना प्यार करते हैं आभा बिज्जू पांडे जी को? तो उन्होंने बहुत अच्छी सी चीज कही कि जो रात बेरात 24 घंटे 24/7 लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाला जनप्रतिनिधि होता है, वो हमारे दिलों पर, हमारे दिमाग में, सदैव हमारे परिवार में वास करता है। सो एक ऐसी प्रत्याशी, एक ऐसी जनप्रतिनिधि आज हमारे बीच हैं जिनके जीवन में संघर्ष भी है, सफलता भी है, बगैर किसी प्रकार के वाद के, क्योंकि राजनीति में यदि आप हो तो वाद बहुत जरूरी हो जाते हैं, कई अपने आप खुल जाते हैं। सो आज बिना किसी वाद के हमारे साथ हैं आभा बिज्जू पांडे जी। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं कि यदि आप आभा जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं
तो आपके सवालों का स्वागत है। आभा जी, पहला सवाल, आपका बचपन और बचपन की यादें किस रूप में आप देखती हैं? नहीं, मैं बचपन में बचपन में भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी जी, और जितनी अदर एक्टिविटीज थी, हर अदर एक्टिविटीज में मेरा सहभाग रहता था। साथ ही जब स्कूल में पढ़ती थी, तब स्कूल में सारी चीजें, मतलब जितने कॉन्टेस्ट होते हैं, मुझे कराटे भी करना था, मुझे संगीत भी करना था, मुझे स्कूल कैप्टन का चुनाव भी करना था, मुझे एक भी कोई भी ऐसा कल्चरल इवेंट नहीं रहता था जिसमें आभा पांडे ने, आभा दीक्षित ने कोई पार्टिसिपेट ना किया हो। सभी टीचर्स की चाहे आज भी उनसे संपर्क मेरा लगातार बना है। और बचपन से ही समाज सेवा का भाव मेरे मन में ये रहा, क्योंकि मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, ऐसे परिवार की बेटी हूँ, जहाँ समाज सेवा खून में ही है, खून में ही समाज सेवा का भाव लेकर यहाँ भी चल रही है। यानी बचपन से आप महत्वाकांक्षी थी, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो लीडरगिरी थी, जो कैप्टनशिप थी, उसके लिए बचपन से आपने प्रयास करना शुरू किया। कभी ऐसा हुआ है कि आपको मॉनिटर ना बनाया गया हो, कैप्टन ना बनाया गया हो, और उसके बाद में आपने जो कैप्टन बना था उसे हटवाने के लिए, उसे पद से कि भैया इसको कैसे हटाया जा सकता है, कभी इसके लिए प्रयास किया? मैंने किया है अपने स्कूल में, इसलिए ने 8th में हमारा हाई स्कूल कैप्टन का एक इलेक्शन हुआ था। वो इलेक्शन में हमने पॉम्पलेट्स वगैरह बांटे थे और उसमें स्कूल गर्ल्स कैप्टन और स्कूल बॉयज कैप्टन का इलेक्शन हुआ था, जिसमें दांव पेच खेले गए थे। बहुत ऐसा हुआ था कि आभा को हराया जाए, हम कहते थे वो हारेंगे, बहुत सारी रणनीतियां हम लोगों ने तय की, लेकिन उस वक्त भी प्रभु का आशीर्वाद और मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे, मेरे जो दोस्त थे, मेरे भाई थे, इन सब लोगों ने मुझे जिताया और मैं स्कूल कैप्टन का इलेक्शन जीता। क्या बात है, यानी बचपन से लेकर के अब तक जो एक प्रकार का संघर्ष होता है, एक प्रकार का राजनीति के लिए कहें हम, संघर्ष दिखाई देता है, वो आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता जो थी वो बचपन से स्थापित हो गई थी। 10वीं में आप स्कूल कैप्टन बनी थी? जी, मैं 8th से लेकर 10th तक स्कूल कैप्टन थी, गर्ल्स। अच्छा, गर्ल्स कैप्टन। स्कूल कौन सी थी? बॉयज कैप्टन अलग होते थे, गर्ल्स कैप्टन अलग होते थे। शहीद मिश्रा हाई स्कूल, हिरोड़ा। जी, यानी 8वीं से 10वीं के बीच की जो परवरिश थी, वो परवरिश ही आपके लिए सबसे अधिक और महत्वपूर्ण थी। जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जी दीदी, ये बताइए, बचपन में स्कूल के बीच का कोई एकाध किस्सा जहां से ऐसा लगता हो कि ये लोगों के बीच जाना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता का विकास कैसे हुआ, आपको कैसे लगा कि स्कूल कैप्टन क्या यूं ही बना दिया गया था, या आपने अपने आप से उसके लिए कोशिश की थी? नहीं, जब स्कूल कैप्टन के चुनाव आए जी, तो सभी दोस्तों का कहना था कि अपन गर्ल्स कैप्टन आभा को ही बनाएंगे। अच्छा, लेकिन दूसरा जो ग्रुप था वो बोले कि नहीं, आभा के विरोध में जो लड़की खड़ी है अपन उसको बनाएंगे जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे क्लास में एक तिरोड़ा के पास एक छोटा सा कस्बा है, बेलाटी करके, बेलाटी की एक बच्ची मेरी मित्र थी जो मेरे साथ बैठा करती थी, और बेहद गरीब परिवार की थी, और बहुत ही मुश्किल से वो एजुकेशन ले रही थी। लेकिन उसके एजुकेशन लेते वक्त जब वो मेरे पास बैठती थी, तो बहुत सारी चीजों को वो मुझसे शेयर करती थी कि मेरे परिवार में कैसी गरीबी है, मैं किन किन मुश्किलों में पड़ रही हूँ। तब से मुझे ऐसा लगता था नहीं, हमने ऐसे लोगों के लिए कुछ करना था। और मैं टीचर्स लोगों के पास जाती थी, मैं मैथ्स के टीचर के पास गई कि इसकी ट्यूशन आप फ्री में कराइए, अगर आप फ्री में कराएंगे तो ये बच्ची पढ़ने में होशियार है, बहुत आगे जा सकती है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि
उसको लगा, उसके साथ साथ सभी मित्रों को लगा कि नहीं आभा अच्छा नेतृत्व कर सकती है, और सबकी इच्छा थी कि आभा ने गर्ल्स स्कूल कैप्टन का चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने लड़ लिया। तो इसके लिए क्या आपने स्कूल के अंदर में बच्चों के साथ में या जो आपके क्लास की आपके सहपाठी थे और आपके जो क्लासमेट्स थे, क्या उनके लिए कभी फाइट लड़ी थी कि आभा को ही हम आगे करेंगे, यदि प्रिंसिपल से बात करनी हो, क्लास टीचर को बात करनी हो, किसी सब्जेक्ट टीचर के खिलाफ कुछ बोलना हो? हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा आगे रहती थी, मेरे सारे सहपाठी कहते थे कि चलो अपन आभा के साथ जाएंगे, कुछ भी करना है तो आभा के साथ जाके अपन करेंगे। एक मैं आपको वाक्या सुनाती हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारा रीयूनियन हुआ जी, तो मेरे जो सहपाठी थे उन्होंने मुझे वो वाक्या याद दिलाया कि एक दिन ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का सब्जेक्ट शुरू होने वाला था, सर आए नहीं थे, तो ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, लड़के लोग बाजू वाली रो में बहुत मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। अब वो धक्का देते देते गलती से वो जो मेरा सहपाठी था वो मेरे बेंच पे आ गया और मुझे भी धक्का लगा। मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल, मैंने बोला तुम्हारे वजह से मुझे धक्का लगा है, अब तो मैं सीधे जा रही हूँ, और मैं सीधे प्रिंसिपल सर के पास चली गई। प्रिंसिपल सर को बोला कि ये इन लोगों ने ऐसा किया, मुझे धक्का लगा, लिटरली मेरे शरीर पर आ गया। तो तुरंत प्रिंसिपल सर ने एक्शन लिया, दोनों तीनों लड़कों को बुलाया, दो चार ठूसे दिए तब तो दे सकते थे। तो वो सहपाठी अभी भी याद करते कि आभा तुमने हमको मार खिलाया था। यानी एक एक जो दिलेर लड़की होती है, मैं क्योंकि गर्ल्स स्कूल में पढ़ाता हूँ और इसके पहले कोएड में पढ़ाता था, तो मुझे मालूम है कि क्लासरूम में एक लड़की ऐसी होती है जिससे लड़के भी डरते हैं, इसकी तरफ नहीं जाना, इसकी तरफ नहीं देखना। तो शायद आपका जो व्यक्तित्व था, आपका जो स्कूली जीवन था, वो कुछ उसी प्रकार का रहा था। जी हाँ बिल्कुल, जी इसी तरह का जी, दीदी आपकी तरफ से शायद नेट आवाज में इको हो रहा है, सब कह रहे हैं, एक बार जरा स्पीकर अपना ये जो आपने लगाया है वो चेक करेंगे आप? एक मिनट पे, एक मिनट पे यार, आवाज गूंज रही है। जी तो हमारे साथ में आभा जी हैं, आभा जी बनी हुई हैं। आभा जी के बारे में एक चीज तो पता चल गई कि आभा जी का जो बचपना था वो लड़कों को डराने के लिए, लड़कों से दूर रहने के लिए, उस वक्त की एक यंग लीडर जिसे हम कह सकते हैं, जो कि तैयार हो रही थी, जो बन रही थी, वो थी आभा पांडे जी का बचपन जो था। दर्शक जितने भी जुड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या फिर से आवाज आ रही है? फिर से आवाज आ रही है? यदि आवाज में इको हो रहा है तो आप फिर से बता सकते हैं, ठीक है। देवेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम विटनेस ऑफ दैट इंसिडेंस, यानी कि देखिए सबूत उपस्थित है कि भाई आभा जी किस प्रकार की बचपन में किस प्रकार से थी। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यदि आगे बढ़ते हैं, आपने जो स्कूल का वाकया बताया और स्कूल के वाक्यों के बाद में कभी आपको घर पर इस प्रकार की शिकायत हुई थी कि स्कूल में इस प्रकार की लीडरगिरी नहीं करके रखनी है, घर वालों ने, परिवार वालों ने कभी डांटा? नहीं, मेरे पापा ने हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है और उसी प्रोत्साहन के चलते मैं समझती हूँ मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। कभी मुझे घर में कोई डांट नहीं पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे पापा को मुझ पर बहुत प्राउड था और वो जानते थे कि इसमें नेतृत्व क्षमता है, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे, तो वे ऐसा कहते थे कि मेरी कुंडली में शायद ऐसा कुछ है कि मैं हमेशा नेतृत्व ही करूंगी, और आज जब देखते हैं तो सच में ऐसा लगता है उनकी बातें सच प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है, यानी बचपन से ही आपके यानी पापा की जो लाडली बेटी होती है वो आप बन करके रही थी, पापा की एक लाडली बेटी के रूप में आदरणीय आभा पांडे जी थी। तो दो बातें तो हमें पता चल गई, एक बचपन के इनके स्कूल की और दूसरी की आभा जी जो हैं। जी दीदी जी, जी तब जब तक आभा जी अपना आवाज के लिए सुधार रही हैं, मैं आपको बता दूं कि आभा पांडे जी नागपुर शहर के भीतर में इस प्रकार से कार्य करती हैं कि
हर प्रकार का व्यक्ति, यानी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इनके प्रभाग के बाहर का भी होगा तो वो इनके पास जाता है, इनसे काम करवाना चाहता है, आभा जी से जुड़ना चाहता है, और केवल महिला नहीं पुरुष, हर प्रकार का वर्ग दीदी के पास जाता है, उनसे कनेक्ट रहना चाहता है और उनके साथ में जुड़ करके रहना चाहता है। जी दीदी, आवाज नहीं आ रही है आपको? ओह गॉड। जो दर्शक जुड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आवाज आ रही है दीदी? अब आ रही है आवाज? दीदी एक काम करिए, आप रिकनेक्ट कर लीजिए, दोबारा कनेक्ट करिए। जी दीदी, आवाज नहीं आ रही आपको? जी अब आ रही है। ओके ओके ओके, शायद नेटवर्क की दिक्कत है, सो ये सारी चीजें तो तकनीकी रूप से चलती रहती है, लेकिन हाँ दो चीजें पता चल गई, एक दिलेर और दबंग आभा बचपन की, और दूसरी जो कि हमेशा पापा की प्यारी, पापा की लाडली बेटी थी। दीदी आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए मैं आपका जो कॉलेज था, महाविद्यालय का समय जिसे कहा जाता है गोल्डन पीरियड होता है, जहां बहुत कुछ पहली बार होता है, जहां बहुत कुछ जिंदगी में सीखने मिलता है, नो डाउट कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत कुछ वहीं से आती है। क्या कभी कॉलेज के इलेक्शन में, स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव में महाविद्यालय के बीच की भूमिका आपकी कैसी थी? महाविद्यालय के भीतर आभा पांडे जब कॉलेज के भीतर प्रवेश करती थी तो क्या लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी? क्या जब आभा पांडे कहीं स्टूडेंट यूनियन के रूप में खड़ी हो गई किसी भी प्रोफेसर या टीचर के खिलाफ, उनकी आवाज बंद हो जाती थी? किस प्रकार का था आपका कॉलेज लाइफ? नहीं, सभी से बहुत अच्छी मित्रता थी जी, और थोड़ा बहुत भय तो हर किसी को थोड़ा रहता था, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा किसी से खुला नहीं करती थी जी, क्योंकि कहते हैं ना ऐसा कि माता पिता जो संस्कार देते हैं वो संस्कार जीवित रहते हैं आखिरी तक। तो कॉलेज टाइम में भी कभी मतलब ध्यान भी हमारा कभी दूसरी ओर भटका नहीं, वो टेरर तो थोड़ा लोग रहता था कि लड़के भी थोड़ा हिसाब से ही बात किया करते थे, ये बात तो थी। अच्छा, और प्रपोजल जो नहीं, प्रपोजल करने की हिम्मत ही किसी ने नहीं की कभी क्योंकि हमने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कोई लड़का हमको किस रूप में देखता है, कभी इन सब बातों की तरफ कभी ध्यान नहीं गया, क्योंकि फोकस था कि हमें अपना करियर बनाना है, हमें अपने परिवार की इज्जत को बरकरार रखना है, हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कारों को जीवित रखना है, इसलिए ये सब बातों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। अच्छा, और लीडरशिप, उस वक्त की लीडरशिप महाविद्यालय के भीतर, कभी इलेक्शन में पार्ट लेना, स्टूडेंट काउंसिल का भाग बनना? नहीं, एक्चुअली उस वक्त वो फेज हमारा ऐसा था कि मेरे पिता बेहद बीमार चल रहे थे, और उस वक्त पापा को 3-3 हार्ट अटैक आ चुके थे, पैरालाइज्ड हो गए थे पापा। तो मैं अप डाउन करती थी, मैं तिरोड़ा से गोंदिया सुबह की छत्तीसगढ़ से जाती थी, वहां से साइकिल उठा के मैं अपने कॉलेज जाती थी, डीबी साइंस कॉलेज, और वहां दिन भर कॉलेज करने के बाद पुनः मैं वापस रेलवे स्टेशन आके तिरोड़ा आया करती थी। तो ये सारे इसमें वो सब बातों पर ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि पापा की बहुत तकलीफें बढ़ गई थी, जिस वजह से मानसिक रूप से भी हम लोग काफी परेशान थे। अच्छा, सो कुल मिलाकर के जो महाविद्यालय का समय था, महाविद्यालय का जो दौर था या कॉलेज लाइफ थी, उसके भीतर में पहली चीज तो इनका व्यक्तित्व था ऐसा कि किसी लड़के की हिम्मत नहीं हो सकती कि भैया चलो एक प्रपोजल देकर आए, हाथ में गुलाब लेकर के जाए और धीरे से कहें आभा, और जैसे ये गुस्से से पलट कर देखे सामने वाला कहे दीदी ये किसी ने आपके लिए कुछ भेजा था, तो ऐसी किसी की हिम्मत नहीं हुई जी अचानक से उसका जो स्वभाव एकदम से बदल जाए कि आया वो किसी और उद्देश्य से हो और अचानक से दीदी को देख करके और चेहरे पर एकदम गुस्सा देख करके बदल जाए? दीदी मैं आगे बढ़ते हुए मुझे आज भी ये लगता है कि हर बातें ये बच्चियों पर ही डिपेंड रहती है, हम जिस तरह से रहते हैं उस तरह से अगले का रिएक्शन होता है, तो हम ऐसे रहे सन्मार्ग पर रहे तो ये सब चीजों की हिम्मत कोई नहीं करता कभी। क्या बात है, ये मैं दरअसल मैंने ये सवाल क्यों पूछा था, मैंने पहले बताया कि लव जिंदगी के अंदर हम लोगों को कुछ संदेश और
कुछ विचार देना चाहते हैं। आभा पांडे को यदि जब भी आप देखेंगे तो एक भारतीय पोशाक के अंदर में, भारतीय अटायर के अंदर में एक महिला जिस प्रकार से रहनी चाहिए वो हमेशा से उस प्रकार से एक आइडियल रहती हैं। यानी मैं इसलिए भी दीदी की तारीफ करना चाहूंगा कि जब भी कोई दीदी से बात करने जाएगा तो मैंने आज तक, मैं पिछले कई वर्षों से दीदी से जुड़ा हूं, तू शब्द का प्रयोग आज तक मैंने नहीं सुना। यानी जो संस्कार हम अपने अंदर डालते हैं अटायर में, शब्दों में, पहनावे में, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यही एक कारण है कि दीदी की बात बहुत सही है, हम किस प्रकार से रहते हैं सामने वाला उस पर निर्भर करता है कि वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। दीदी आगे बढ़ते हैं। बिज्जू भैया कहाँ मिल गए? बिज्जू भैया को तो मेरे पिता ने ही ढूंढा। कहीं पॉलिटिकल रैली के भीतर आप भी कहीं हो, आप निर्दलीय या समाज सेवा में, और भैया भी दिख गए हो, अचानक दोनों की आंखें चार हुई हो, ऐसा कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इनको पापा ने ही ढूंढा, इनकी खोज मेरे पिता ने ही की। शादी से पहले कभी हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। जब हमारी सगाई हुई उसके बाद ही हमने एक दूसरे को जाना पहचाना, ये पहले वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग ऐसे रहे हैं जैसे जो लव मैरिज हुआ करते हैं, उतना अच्छा सामंजस्य, उतना प्रेम, उतनी सारी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि केवल प्रेम से सब कुछ नहीं होता है, परिवार को चलाने के लिए जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है वो भी हम दोनों की काफी तगड़ी थी, तगड़ी है और तगड़ी रहेगी। जी, सो भैया ने कभी शादी तय हो जाने के बाद कभी भैया ने प्रयास किया पहुंचकर कभी गली मोहल्ले में घूमने का या आकर के किसी चौराहे पर मिलने का? जरूर, हमारी शादी तय होने के बाद तो ये आया करते थे 2-3 बार, क्योंकि मेरी शादी तय हुई उसके 14 महीने बाद हमारा विवाह हुआ था, तो बीच में हम लोग मिला करते थे, फोन पे भी बातें हुआ करती थी। जी, तो यानी तो उस जरिए हम लोगों ने एक दूसरे के परिवार को समझने की कोशिशें की, हमने उनके परिवार को, उन्होंने हमारे परिवार को, वो हमने उस वक्त वो जो समय था उसमें जाया किया। यानी ये जो केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, ये केमिस्ट्री कुल मिलाकर के वो जो 14 महीने का पीरियड था, उस 14 महीने के पीरियड को ऐसा लगता होगा कि ये कब खत्म हो रहा है, कब चीजें आगे बढ़ रही है। सो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आज दरअसल आबाजी वो सारी बातें करेंगी जो शायद अब तक वो किसी के साथ नहीं कर चुकी हैं, शायद जो लोग नहीं जानते और जो लोग सुनना और जानना पहचानना चाहते हैं। दीदी कभी बिज्जू भैया ने आई लव यू बोला है? हाँ बोला है। क्या बात? दूसरे शब्दों में? अच्छा, दूसरे शब्दों में, यानी कि मैं तुम्हारी मम्मी से प्यार करता हूँ, इस प्रकार वाले शब्दों में सीधे ना बोल करके? नहीं, देखिए उनका प्यार तो इसी से दिखता है कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को इतने बड़े पदों तक पहुंचाया और मेरे साथ, मेरे जैसे ऐसा कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे उसकी स्त्री का हाथ होता है, लेकिन ये जो कहावत है ये मेरे बारे में उल्टी चरितार्थ होती है। मेरे पीछे सच में मेरे पतिदेव का पूरा हाथ रहा, तो वो मुझसे कितना प्यार करते हैं ये तो इससे समझ में ही आ जाता है। जी, दरअसल मैं, आपने बोल दिया वरना ये लाइन मेरी थी कि हमने हमेशा ये देखा है कि पुरुष की सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ कहा जाता है, लेकिन पुरुष जब महिलाओं को सपोर्ट करते हैं तो आप किस प्रकार से तरक्की कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज कि आप कितने भी पदों पर चले जाएं, इनकी विशेषता ये है, आभा दीदी की कहें या बिज्जू भैया की, बहुत ही नम्र हैं, बहुत ही विनम्र हैं, और दोनों के बीच की केमिस्ट्री आपको देख करके लगेगा नहीं कि आप एक हस्बैंड वाइफ से बात कर रहे हैं, दोनों एकदम दोस्त की तरह बैठ करके चीजें शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं। दरअसल जो लोग देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, जो यंगस्टर्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो रिलेशन है, दरअसल दीदी ये पूछने के पीछे का मकसद ये था, आज रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा आपके पास में भी शिकायतें आती होगी, हमेशा हम लोग रिलेशनशिप पर बात करते हैं, रिलेशंस में हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, तो कहीं ना कहीं आपने जो एक संदेश दिया कि हमारी आपसी समझदारी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दीदी आगे चलते हैं। आदरणीय बिज्जू भैया पहले से राजनीति में थे,
क्या शादी से पहले आपको पता था वो राजनीति में है? जी हाँ, पापा ने तो बताया था कि वे छात्र संघ के समय से मतलब राजनीति में सक्रिय थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय से, और डॉक्टर श्रीकांत जिचकार और अविनाश जी पांडे इनके साथ उन्होंने बहुत काम किया कांग्रेस में किया। और मेरे पिता भी महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस में थे उस वक्त और बड़े पदों पर थे, तो पापा भी बहुत अच्छे से मतलब जानते थे। यानी अब सवाल का कारण क्या है कि जब घर में ऑलरेडी एक नेता था तो अचानक आपके अंदर कैसे प्रेरणा जाग गई कि नहीं अब हम भी करेंगे? क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, लोग जानना चाहते हैं कि राजनीति के प्रति आपका रुझान कैसे आया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीति में आने का जो मेरा उद्देश्य है वो मैंने गरीब परिवारों को बेहद नजदीक से देखा है जी। क्योंकि मैं एक छोटे गांव से आई थी, एक गरीब परिवार की क्या जरूरतें होती है शायद मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता जी। और इसीलिए मन में हमेशा ये भाव रहे हैं कि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसको कैसे मैं सुविधाएं दिला सकती हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ, ये हमेशा मेरे में भाव रहा है और संवेदनशीलता रही है, जिसके चलते उपेक्षित और पीड़ित परिवारों के लिए कुछ करूं ये भाव मन में रहता है। यह उद्देश्य है मेरा राजनीति में आने का। राजनीति में जमीनी रूप से शामिल होने का सौभाग्य जो मुझे मिला वो 1997 में जब नागपुर महानगर पालिका के चुनाव आए, उस चुनाव में मेरे पतिदेव ये चुनाव में खड़े हुए और उस वक्त मैंने बहुत एक्टिवली पार्ट लिया। जितने हमारे कार्यकर्ता बंधु थे सब लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चिल्लाया करती थी तो उस समय चुनाव पतिदेव हार गए थे। दोबारा जब 2002 में पुनः पतिदेव ने तैयारी की कि अब मैं नागपुर महानगर पालिका का चुनाव लड़ूंगा, उस वक्त महिला आरक्षण में हमारा प्रभाग चला गया। उस वक्त 3 वार्डों का प्रभाग था, 40,000 मतदाता थे और ऐसे प्रभाग में जब महिला आरक्षण हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए मैं एक ऐसे संयुक्त परिवार की बड़ी बहू थी जिसमें मुझे भी ऐसी भूमिका में रहना पड़ता था कि छोटी छोटी अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ता था, वो भी पारंपरिक ढंग से मुझे निभाना पड़ता था। और अगर मुझे राजनीति में सक्रियता से आना था तो मुझे उस वक्त मेरे श्वशुर जी, मेरे पतिदेव और जो डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, दादा ने हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन किया कि नहीं आभा को हमने लड़ाना चाहिए। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिता के वो बहुत अच्छे मित्र थे तो उनका हमेशा मेरे मायके में आना जाना रहता था, तो उन्होंने मेरे पतिदेव से कहा कि मैंने आभा को बचपन से देखा है, शायद वो बहुत अच्छा कर लेगी। और बस मैं राजनीति में आई और 2002 का महानगर पालिका का चुनाव मैंने कॉन्टेस्ट किया। क्या बात है, यानी जो सर्कमस्टेंसेस या जो स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, वो आपके अनुकूल होती चली गई, लेकिन जब पहली बार आभा पांडे चुनाव, बिजू भैया का रिएक्शन क्या था? नहीं, वो तो बेहद खुश थे और उनका भी मानस था कि अगर महिला वार्ड हो ही गया है तो आभा को लड़ा देते हैं। उन्होंने तो बहुत मतलब मन से उनका था कि आभा को लड़ाना ही है, और पापा का और हामी पापा ने भर दी, ससुर जी ने और दादा ने, और उस पर तो सभी तरफ से हाँ होने लगा। थोड़ा बहुत घर में ठीक है, बातें हुई, सब चीजें हुई, सासू माँ को थोड़ा सा थोड़ी सी अड़चने थी, लेकिन पापा जी ने मम्मी जी को समझाया और फिर ऐसा करके मैं चुनाव में कॉन्टेस्ट किया। क्या बात है, यानी एक संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ी बहू के रूप में रहे, उस पर जिम्मेदारी होती है, सास ससुर देवर देवरानी पति बच्चों और न जाने कितने सारी जिम्मेदारियों के साथ, और इन सारी जिम्मेदारियों के रूप में अभी तक हमने देखा कि एक बेटी बहन और एक पत्नी के रूप में किस तरीके से आभा पांडे जी सक्रियता के साथ में भाग लेती हैं, और भाग लेकर के केवल वो ये नहीं कि केवल पार्टिसिपेट किया, हर जगह आभा पांडे जी
विजयश्री प्राप्त करती हैं, हमेशा बेस्ट और अव्वल करती हैं। दीदी एक चीज जानना चाहते हैं, जो अमूमन होता है सास बहू के झगड़े या सास बहू के बीच बातचीत, कभी आपके साथ रहा कुछ? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो सासू माँ थी जी, वो मेरी सासू माँ नहीं, वो मेरी माँ थी। मुझे जिस तरह से माँ ने मायके में प्यार दिया, उससे डबल ही प्यार मुझे मेरी सासू माँ ने दिया मेरे ससुराल में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं स्थायी समिति की अध्यक्ष बनी, तब मेरा बेटा मात्र 3 माह का था, लेकिन उस 3 माह के बेटे को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये हमारे संयुक्त परिवार की ताकत थी, मेरी सासू माँ ने, मेरी नंदों ने उसकी ऐसी परवरिश की कि उस बच्चे ने कभी ये महसूस नहीं किया कि उसकी माँ दिन भर घर पर नहीं रहती। और लिटरली जब मैं घर से बाहर निकलती थी, मम्मी को पता होता था कि अब ये सुबह से जाएगी, रात में पता नहीं कब तक आएगी वापस, तो मम्मी लिटरली प्लेट लेकर खड़ी रहती थी कि आभा पराठा सब्जी घर से खा के निकलो। तो मैं तो समझती हूँ ऐसा सौभाग्य किसी बहू को किसी सास ने नहीं मिला होगा जितना मुझे मिला है। उनका इतना प्यार कि मैं एक वाकया आपको बताती हूँ। जिस दिन स्थायी समिति अध्यक्ष का पद, देखिए हर साल कोई ना कोई मतलब अध्यक्ष बदलता है, उस दिन मेरे बाद नंदिनी हड़के जी बनने वाली थी, और नंदिनी हड़के जी को मैंने अपना पदभार सौंपा, मिठाई खिलाई, हार पहनाया और मैंने उनको पदभार सौंपा। जब मैं घर आई तो हॉल में टीवी थी, टीवी में मम्मी न्यूज देख रही थी, यूसीएन पर सब चल रहा था कि आज आभा पांडे जी की विदाई हुई और नंदिनी हड़के जी ने पदार्पण किया, उन्होंने नए पद की जिम्मेदारी ली, और मम्मी लिटरली रो रही थी। तो मैंने पूछा मम्मी आप रो क्यों रही हो, तो बोले नहीं आज तुम अपने पद से चली गई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो एक यानी ये जो भावना, ये इमोशंस जो है, ये बनावटी तौर पे नहीं आते। जब तक हम किसी के प्रति चाहत नहीं रखते तब तक वो भाव अपने आप ही आते हैं, वो बनावटी रूप से नहीं आ सकते। इतना मम्मी मुझे प्यार करती थी। क्या दोनों बच्चों की परवरिश, राजनीति में रहने के बावजूद संयुक्त परिवार की ताकत। मैं पुनः कहती हूँ, लोग आजकल कहते हैं कि हमें अकेला अकेला रहना है, लेकिन वो संयुक्त परिवार की ताकत ही थी जो मेरी नंदों ने और मेरी सासू माँ ने बखूबी तरीके से निभाकर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने बच्चों से दूर रहती हूँ। निश्चित रूप से इसमें संघर्ष मेरे बच्चों ने भी किया। मेरा बच्चा 3 माह का था, मेरी बेटी जब 4 साल की थी तब मैंने पहला चुनाव लड़ा। देखिए हर बच्चा जब घर आता है तो उसकी माँ दरवाजे में मिलती है उसको। मुझे आज भी वो चीज खलती है कि जब बच्चा दरवाजे पे आता है तो उसको उसकी माँ आभा नहीं मिलती, नहीं दिखती। कोई ना कोई उसको लेता है, भाई लेती, अब तो मम्मी नहीं है। मम्मी जब से गए तब से काफी तकलीफों का सामना मतलब बच्चों को भी करना पड़ा, क्योंकि मम्मी को, मम्मी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों को वो सब मैं नहीं दे पाई। देखिए एग्जाम टाइम में मेरी बच्ची 10th में थी, कभी उसको मैं एग्जाम सेंटर में छोड़ने नहीं जा पाती थी, उसकी पढ़ाई पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, बेटे के इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी बेटी ने भी बहुत अच्छा अपना लाइफ बनाया है। आज वो ग्रेजुएट हो गई है, जॉब कर रही है, खुश हूँ उसकी तरक्की से। छोटा बेटा भी मेरा 10th में है, वो भी अच्छा कर रहा है, और जिस तरह से संस्कार हमने दिए हैं अपने बच्चों को, जिस तरह से हमने पाए हैं संस्कार, निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी उन संस्कारों को जीवित रखने का प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास है मुझे। क्या बात है, यानी एक माँ के रूप में मैं कहूँ कि 3 महीने का बच्चा है, आप स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं, और जो सपोर्ट आपको आपके परिवार ने दिया, सासू माँ ने, ससुर जी ने, पति देव ने और बच्चों ने, ये सपोर्ट भारत के भीतर बहुत कम लोगों को मिलता है। और यदि ये सपोर्ट मिला तो मैं ये मानता हूं कि ये सपोर्ट नहीं है, ये आपके प्रति उनका विश्वास है और वो आप पर एक जिम्मेदारी रख रहे हैं कि भाई आभा जी आपको ये करना है, इसलिए हम सब आपके पीछे खड़े हैं। यदि आभा पांडे दरवाजे से बाहर कुछ कर रही हैं तो वो अकेली नहीं है, उनको पता है मुझ पर विश्वास करने वाले लोग परिवार में कितने बैठे हैं, और यदि कहीं कोई चूक हुई तो उसकी टीस सिर्फ आभा जी को नहीं होगी, उनसे कई ज्यादा गुना उनको होगी जो घर पर बैठ करके उनको सपोर्ट करते हैं। दीदी ये बताएं, भैया के और आपके बीच कभी प्रतियोगिता रही हो कि नहीं नहीं इस बार आप नहीं मैं नहीं आप, उन्होंने कभी बोला हो?
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 2007 में ही मैंने उनसे कहा कि इस बार आप चुनाव लड़िए, आपने मुझे नगर सेवक बनाया, आपने मुझे स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया, लेकिन एक बार मैं भी आपको नगर सेवक के पद पे देखना चाहती हूँ। हम पूरी मेहनत करेंगे, इस बार आप लड़िए। हालांकि दूसरा जो मेरा वार्ड था वो एकदम, मतलब मैं अगर शायद इंडिपेंडेंट भी लड़ती तो वहां से जीत सकती थी, लेकिन मेरी इच्छा थी तो पतिदेव ने इसी वार्ड से कॉन्टेस्ट किया था उस वक्त। तो हम लोगों में कभी प्रतियोगिता नहीं रही। आजकल तो वे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हें करना है, इलेक्शन भी तुम्हें ही लड़ना है, सब चीजें तुमको करनी है। और मैं ये कहती हूँ रवि भाई कि हर व्यक्ति ने, अगर वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाते हैं तो हर पति ने ये सोचना चाहिए कि केवल महिला आरक्षण में वो है, इसीलिए उसको ला दिया, वो जीत गई, उसके बाद काम उसके पति ही कर रहे हैं, तो आप कैसे महिलाओं को सक्षम बना पाएंगे? महिला, इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिला को सक्षम बनाने के लिए ये महिला आरक्षण जरूरी नहीं है। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए घर का सपोर्ट बेहद आवश्यक है। मुझे अगर सपोर्ट नहीं, मैं आज इतनी फ्री हूँ कि मेरे पतिदेव को पता भी नहीं रहता कि मैं कब वार्ड में चली गई, मैं कब जोनल ऑफिस चली गई, कब महानगर पालिका चली गई। वो कभी मेरे साथ नागपुर महानगर पालिका के ऑफिस में नहीं आते, कभी जोन में नहीं आते, और वो कहते हैं जो करना है वो तुम्हें करो। मुझे उन्होंने इतना फ्री हैंड छोड़ा, जिस वजह से मैंने छोटी छोटी बातों को नागपुर महानगर पालिका में सीखने की कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की। और इस विषय में मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि महानगर पालिका के छोटे छोटे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मुझे बहुत सिखाया है, मैं उन लोगों से बहुत सीखा है मैंने। और रही बात तो पब्लिक की, तो जनता ने तो सब कुछ सिखा दिया आभा को। आभा पांडे नगर सेविका, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्षा और एक निर्दलीय पार्षद की जो भूमिका में आप देख रहे हैं आभा को, ये जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए 2400 घंटे भी काम करूं तो वो कम पड़ेंगे। क्या बात है। अच्छा, कभी ये जो आपने, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बताई, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपकी पॉपुलैरिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस पॉपुलैरिटी के उस छवि को बरकरार रखने में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या लोगों से कनेक्ट होने में आदि चीजों में? नहीं, छवि को टिकाने के लिए तो देखिए, छवि किस वजह से बनी, मेरे कार्यों की, काम करने की जो काम करने का जो तरीका है, मैं फील्ड में जाकर काम करना पसंद करती हूँ। मुझे अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है, मुझे लगता है मैं कितने जल्दी उसको सॉल्व कर सकती हूँ, तो उसके लिए जो मेरे प्रयास रहते हैं, मेरी जो संवेदनशीलता रहती है, वो बरकरार छवि बनी ही रहेगी। अगर मुझ में ये गुण आज, कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि छवि को वो टिका के रखने में कुछ मुझे अलग से प्रयास करने होंगे। मैं एक्चुअली दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, जो भी सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, आभा पांडे जी इकलौती इसलिए महिला के रूप में मैं कह रहा हूं, इकलौती महिला जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, जो हर घर तक पहुंची हुई हैं, जिनके पीछे कोई और हाथ नहीं है कि भैया इनको टिकट दिया है, इनको आप जिता दीजिएगा। आभा पांडे वो प्रतिनिधि हैं जो लोगों के पास जाकर के सीधे कनेक्ट करती हैं, और इसी कारण से वे 2002 में जब पहली बार चुनाव लड़ने गई, उनका व्यक्तित्व, उनकी नेतृत्व क्षमता, ये जिस तरीके से आगे बढ़ती है, और 2005 में स्थायी समिति अध्यक्ष का पद, दीदी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, 2005 का स्थायी समिति अध्यक्ष पद पर आपने कभी चर्चा की थी, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, यदि आप बताएं वो वाकया कि जब आप बजट का भाषण पढ़ने के लिए खड़ी हुई और उसके बाद में जो हुआ। दरअसल मैं टर्न कर रहा हूं कि सदन के अंदर आभा पांडे क्या हैं, उस सदन के अंदर के आभा पांडे को अब मैं बात करूंगा। तो सदन के अंदर जो 2005 के भीतर आप बजट पढ़ने के लिए जब खड़ी हुई और उसके बाद का जो वाक्य आया, आप अपने जबानी सभी को बताएं। देखिए, मुझे कांग्रेस के नेता आदरणीय डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी ने मुझे स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पे बिठाया। उसके बाद स्थायी समिति में हमारे 16 सदस्य होते हैं, उन 16 सदस्यों में से करीब 12 सदस्य
ये मेरे ही खिलाफ थे क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी का बेहद ज्यादा थी उस वक्त, तो 12 लोग मेरे खिलाफ में रहने के बावजूद पूरा साल हमको अपना आर्थिक जो सूत्र संचालन रहते नागपुर महानगर पालिका के वो करने में परेशानी हुई, संघर्ष हुआ, लेकिन हम उस संघर्ष से बाहर निकले। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्थायी समिति का जो बजट होता है, मनपा का आर्थिक बजट, ये स्थायी समिति जब पेश करती है तो उसे स्थायी समिति के सदस्य ही बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब बजट पढ़ने की बारी आई तो विरोधी पक्ष तो विरोधी करेगा लेकिन जो साथ के लोग 12 लोग थे वे भी विरोध कर रहे थे। तो लिटरली भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, क्योंकि मैं कांग्रेस से ताल्लुक रखती थी उस वक्त, कांग्रेस की स्थायी समिति की अध्यक्ष थी, तो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कोई मेरा माइक खींच रही हैं, कोई मेरा बजट बुक खींच रही हैं, लेकिन मैं उस वक्त जरा भी डिगी नहीं, मैं बिल्कुल मतलब घबराई नहीं। मुझे पता था मेरा काम मुझे करना है और मैंने वो बड़े ही उत्साह से किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कोई दो चार महिलाएं खड़ी हैं, बजट बुक खींच रही हैं, कोई माइक खींच रहा है, मैंने सबको ऐसा बाजू में करते हुए मैं बजट भाषण जो पढ़ती खूब हल्ला हो रहा था, खूब शोर हो रहा था सदन में, लेकिन मुझे पता था मेरा काम मुझे ईमानदारी से प्रामाणिकता से करना है। मैंने उसे प्रामाणिक रूप से निभाया और जब बजट भाषण खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षदों ने मुझे आके बधाई दी, बोला ताई आम्ही तुम्हाला मानून गेलो म्हणे। म्हटलं काय झालं दादा? नाही म्हणे, एवढ्या एवढी म्हणजे प्रचंड एवढा विरोध असूनही तुम्ही ज्या उद्वेगाने बोलत होते आणि भेट नव्हते जराही, तर असं वाटत होतं म्हणे तुमच्याबद्दल अभिमानही आम्हाला वाटत होतं। उसी दिन मुझे लगा की जब विरोधी कह रहे हैं कि मेरे बारे में प्राउड फील हो रहा है, यानी मेरा बजट पास होके भी मैं तो फेल होके भी मैं तो पास हुई, क्या बात है। नहीं, सबसे बड़ी चीज ये है नागपुर महानगर पालिका के भीतर कुछ ही, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, कुछ ही प्रतिनिधि ऐसे हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रिय हैं, जो दोनों के साथ बातचीत करते हैं और दोनों के साथ उतना ही सुसंवाद है। मैं दीदी के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, सरकार किसी की भी हो, यदि दीदी गई तो विपक्ष और पक्ष दोनों इनको प्राथमिकता देता है। दीदी एक चीज जानना चाहेंगे, जब आप कांग्रेस से निकलकर या कांग्रेस को छोड़कर मैं कहूं एक निर्दलीय के रूप में बाहर आती हैं, उस वक्त आपको कैसा लगा? क्या चुनौतियां लग रही थी? ऐसा लग रहा था कि अब तो शायद मुश्किल भी है, पार्टी का सिंबल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है पार्टी का सिंबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो क्या आपको ऐसा लगा था कि अब मुश्किलें ज्यादा होगी, चुनौतियां ज्यादा होगी, और क्यों कांग्रेस को छोड़ना पड़ा और क्यों कांग्रेस छोड़कर के एक नए रूप में आना पड़ा? नहीं देखिए, जब सदन में अभ्यास करके जब मैं पहुंचती थी और सदन में जब मैं कुछ विषयों को उठाती थी जो जनता के पक्ष में थे, जनता के लिए लाभदायक थे, मैं उन विषयों को जब उठाया करती थी तो कई बार मुझे पार्टी के वरिष्ठ लोग कहते थे कि आपको यह विषय पार्टी में ये विषय सदन में नहीं उठाना है, ये विषय हमको आपको सदन में नहीं उठाना है। तब मैं कहती थी कि मैं आपका नहीं सुनूंगी, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी चलेगा, लेकिन मैं हमेशा जनता के पक्ष में खड़ी रहूंगी। और इसी के चलते मैंने, आप देखिए कि मैं 2012 का जब मैंने चुनाव लड़ा, 2014 से मैं कांग्रेस पार्टी के जहां बैठता था सदन में पक्ष, वहां मैं बैठा करती थी, लेकिन मैं उनके एक भी आंदोलनों में नहीं थी, एक भी भूमिकाओं में मैं सम्मिलित नहीं रहती थी, और मैं कड़ाई से मुकाबला करती थी उन सब लोगों का, क्योंकि मुझे पता था जनता के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो मैं जनता के साथ खड़ी रहूंगी, ना कि पक्ष मुझे अगर कहेगा कि आप ये बोलो सदन में, ये मत बोलो, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और वो मेरा स्वभाव है। क्योंकि अन्याय, देखिए जब कोई व्यक्ति समाज सेवा में आता है, भले ही वो राजनीति के माध्यम से आता है, लेकिन अगर हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो सेवाएं नहीं दे पाए तो हमारा समाज सेवा करके कोई मतलब नहीं, हमारा राजनीति में रह के कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मुझे सबको दिखाना है और निर्दलीय ही मुझे चुनाव लड़ना है। आपने जैसा कहा कि आपको डर नहीं लगा, क्या मुझे डर कदापि नहीं लगा, मुझे कई पार्टियों के लोगों के ऑफर्स आए कि आप आइए हम आपको टिकट देते हैं,
2017 में पुनः पार्टी से लड़ने का प्रस्ताव भी मिला जिसको मैंने खारिज किया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो चुनाव अपक्ष ही लड़ना है और मुझे दिखाना है कि पब्लिक मेरे साथ है और दोनों पार्टियों को समझाना है कि आभा पांडे की क्या ताकत है। आभा पांडे यानी जनता है, इसलिए आभा पांडे। तो जैसा आपने कहा डर था, क्या डर बिल्कुल भी नहीं था, हाँ लेकिन चुनौतियां बहुत थी क्योंकि मेरे साथ जो मेरे विरोध में लड़ रही महिलाएं थी वो नहीं लड़ रही थी, मेरे खिलाफ दो दो एमएलए चुनाव लड़ रहे थे और वो एमएलए एक एक घर में जाकर उन्होंने निवेदन किया कि कुछ भी करो लेकिन आभा पांडे को मतदान मत करो, हमारी पार्टी की प्रत्याशी आपको नहीं चलती ना, आप दूसरी पार्टी की प्रत्याशी को मतदान करें लेकिन कृपया आप आभा पांडे को मतदान न करें। तो मैं ये समझती हूँ कि इतने बड़े इससे मुझे जनता ने नवाजा है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। एक पार्टी से जीतकर आने वाला व्यक्ति जिसके साथ पार्टी का बैकअप हो, पार्टी के नेता हो, उनकी प्रचार रैलियां, उनकी प्रचार सभाएं, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद था कि जनता जरा भी डगमगाई नहीं। जनता ने कहा कुछ भी हो पहले हम सिलेंडर पर मतदान करेंगे अपनी आभाताई को, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई खड़ा होता है तो वो आभाताई खड़ी होती है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ रवि भाई, पार्टियां मायने नहीं रखती, व्यक्ति मायने रखता है। और मैं आप जो ये आज लाइव चला रहे हैं, मैं इस माध्यम से सभी देखने वालों को मैं ये अपील भी करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि मतदान करने जाते वक्त हम जनप्रतिनिधियों को चुने, हम किसी पार्टी के बंदे को ना चुने। आज तक पार्टियों के व्यक्तियों को ही हमने चुना है, इसीलिए आज हमारे देश में जो समस्याएं निर्माण है, अगर हमने व्यक्तियों को चुना होता और जब पार्टियां समझ जाएंगी कि अब मतदाताओं का रुझान जो है ये अच्छे व्यक्तित्वों की ओर है, तब जाके पार्टियां सोचने पे मजबूर होंगी कि अब हमें अच्छे व्यक्तियों को ही चुनाव में टिकट देनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और निवेदन भी जी, एक चीज अच्छी है कि आपका सिलेंडर सिंबल था, मुझे सिलेंडर से याद आता है कि किसी ने मुझसे पूछा था, 2017 की बात है, उसी वक्त की बात है, ये जो सिलेंडर वाला वाक्या है, सिलेंडर पर इसलिए भी मुहर लगाने की जरूरत थी क्योंकि हर घर के भीतर यदि किचन में सिलेंडर, मेरी ये पहचान की एक महिला है, उन्होंने कहा था यदि घर में सिलेंडर चलना चाहिए, गैस जलनी है तो आभा पांडे को आपको जिताना पड़ेगा, क्योंकि यदि सिलेंडर नहीं होगा घर में सो आपके घर की आप कल्पना नहीं कर सकते, और यदि आभा पांडे उस प्रभाग की जनप्रतिनिधि नहीं है तो आप उस प्रभाग की कल्पना नहीं कर सकते, उस प्रभाग के, क्योंकि देखिए पार्षद का जो काम होता है ना, पार्षद सुबह उठ करके नाली में झांकने का काम करता है, उसका संबंध गटर लाइन से होता है, उसका संबंध सीवर लाइन से होता है, उसका संबंध गली की गंदगी और आदि चीजों से होता है, यानी पार्षद सबसे पहला वो प्रतिनिधि होता है जो शहर को बेहतर बनाता है। सांसद बहुत ऊपर, विधायक बहुत ऊपर, इनको कुछ नहीं पता होता, इन लोगों को वैसे ये तो कई एरियों में जाते भी नहीं होंगे, कई जगहों को ये पहचानते भी नहीं होंगे यदि कोई उनके सामने खड़ा हो जाए, लेकिन जो पार्षद होता है उस पार्षद को हर घर की खबर होती है, हर गली की, हर सीवर लाइन की। तो आपको ऐसा नहीं लगा दीदी कभी? दीदी आपकी तरफ शायद कुछ शुरू है, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कहीं कि ये छोटा काम है और इस प्रकार के काम से कुछ ऊपर उठना चाहिए? देखिए काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो भुनाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पद बड़े और छोटे नहीं होते, पद मायने नहीं रखते, मेरी नजर में पद कोई मायने नहीं रखता। आप आज देखिए मैं अकेली हूँ, मैं अकेली निर्दलीय पार्षद हूँ, एक तरफ बीजेपी के 108 लोग, एक तरफ कांग्रेस के 39 लोग, एक तरफ बीएसपी के 10 लोग, और उसमें केवल आभा पांडे अकेली निर्दलीय। तो मैं अपने आप को कहीं कम महसूस नहीं करती, मैं तो ये करती हूँ कि जब मैं सदन में जा रही हूँ तो मेरा अभ्यास परिपूर्ण रूप से होना चाहिए। देखिए अधिकारी और कर्मचारी तभी आपसे डरेगा और तभी आपके काम सुनेगा जब आप अभ्यासु रहेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे।
अभ्यास के साथ साथ आपका व्यवहार उन अधिकारी कर्मचारियों के साथ कैसा है, उनकी मुश्किलों में उनकी अड़चनों में आप खड़े हैं कि नहीं, ये सारी बातें मायने रखती है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि पार्टी ही बहुत मायने रखती है या हमने इसे, क्योंकि आपको बताती हूँ कि इस बार चुनाव में 4 मशीनें थी क्योंकि 4 वार्ड वाला प्रभाग था, 70,000 मतदाता मेरे प्रभाग में थे, 4 मशीनों में 4 मतदान करने थे, लेकिन खुशी से और गर्व से अभिमान से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनता जाती थी और सबसे पहले वो चारों मशीनों में सिलेंडर का बटन ढूंढती थी, और सबसे पहले सिलेंडर का बटन दबाने के बाद बची हुई 3 मशीनों में उनको जिनको मतदान करना था उनको उन्होंने दिया। तो मैं तो समझती हूँ पार्टी से बढ़कर मेरे लिए उन्होंने किया है, जनता ने किया है। और एक बात रवि भाई मैं कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक चुनकर आई हैं, मैं उनसे ये अपील करती हूँ, मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि अगर पब्लिक ने ईश्वर के आशीर्वाद से आपको जनप्रतिनिधि बनाया है तो उसको आप सार्थक रूप दीजिए। आप केवल महिला आरक्षण में चुनकर आकर आप उस सीट को, सीट की भरपाई मत करिए, आप पब्लिक की सेवा करिए। आपको मौका मिला है, आप पब्लिक में भिड़ जाइए, बन जाइए, पब्लिक की समस्याओं के साथ आप अवगत होकर अपने प्रभाग की समस्याओं को उजागर करिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ रवि भाई, आज कोई चाहे भी तो सदन में मुझे नहीं रोक सकता, ये मैं कोई बड़प्पन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं, विरोधी भी जानते हैं, पक्ष के लोग जानते हैं, विपक्ष के लोग जानते हैं, सदन में बैठा हुआ हर IAS ऑफिसर अधिकारी सब जानते हैं कि आभा पांडे के पास अभ्यास है। अगर आप अभ्यास करके जाएंगे, अगर आप मूल्यों की बात करेंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा, और इसी के चलते हम अपने प्रभाग की समस्याओं को बखूबी तरीके से उठा पाएंगे। उसी का बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब संपत्ति मूल्यांकन हमारे यहाँ हुआ उसमें इतनी गड़बड़ियां थी, मैंने 1 घंटा 40 मिनट उस पर अपना वक्तव्य दिया, और उस 1 घंटा 40 मिनट में मैंने उन खामियों को उजागर किया कि यहाँ खामी है, यहाँ खामी है, यहाँ खामी है। सबने माना, सत्ता पक्ष ने भी माना, विरोधी पक्ष ने भी माना, और एक IAS ऑफिसर ने भी माना, और उस तरह की रूलिंग दी जिस वजह से नागपुर शहर के टैक्स जो थोड़े बहुत कम हुए उसके लिए आभा पांडे ने अभ्यास करके वक्तव्य दिया, उनके लिए लड़ाई लड़ी सदन में। तो सदन में सब बातों को बखूबी ढंग से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अभ्यासु तरीके से करें तो मुझे लगता है सफलता बहुत जल्दी मिलती है। जिस विषय को हम छेड़ते हैं उस विषय पे सफलता मिलती है और पब्लिक को राहत मिलती है। पानी का मामला अगर लिया जाए OCW का, तो हमेशा OCW की कारगुजारी को मैंने उजागर करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली भीषण गर्मी में जब महापौर जी ने सदन में मेरा सुना नहीं था, मैंने प्रश्न लगाया था लेकिन महापौर जी ने मेरा प्रश्न पुकारा नहीं, मैं अकेली पार्षद थी, मैं गई महापौर जी के डायस के सामने, महापौर जी ये मेरे घर का प्रश्न नहीं है, ये मेरे प्रभाग की 70,000 मतदाता की तकलीफों को उठाने का समय है, देखिए आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं मानी, विषय क्रमांक ये विषय क्रमांक वो करके आगे बढ़ गई, क्योंकि उनके पास तो 108 पार्षद है, वो मनचाहा अपना हाउस चला सकते हैं। लेकिन मैंने वो एजेंडा को फाड़ा, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पब्लिक के समर्थन में मेरा ये गुस्सा था महापौर जी पे, मैंने एजेंडा को फाड़ा, महापौर जी पे फेंका और मैं सदन से बाहर निकली, मैंने प्रेस लिया, मैंने मेरे पतिदेव को फोन किया कि मुझे आज से जल त्याग आंदोलन करना है। मेरे पतिदेव कहने लगे अरे आज भी 47 डिग्री टेम्परेचर है नागपुर का और तुम बिना पानी के रहोगी? मैंने बस मुझे रहना है, मैं यहाँ प्रेस में सबको बता रही हूँ और मुझे जल त्याग आंदोलन तब तक करना है जब तक महापौर जी सुन नहीं लेंगी और मेरे प्रभाग की समस्याएं हल नहीं होंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रवि भाई प्रभाग की बुजुर्ग लोग 70-70, 80-80 साल की बूढ़ी औरतें, बुजुर्ग लोग, इन्होंने उस जल त्याग आंदोलन का समर्थन किया, मेरे साथ दिन रात बैठे रहे। जिस वक्त मेरा BP पूरा लो हो गया, जिस वक्त मेरी पल्स रेट लो होने लगी, शुगर लो होने लगा, जब तबीयत बिगड़ने लगी, तब जाके वो लोग, वो बुजुर्ग लोग, कोई लोग मेरे हाथ पैर दबा रहे थे क्योंकि सीवियर हेडेक हो रहा था, सिर दबा रहे थे। अरे इतना प्यार किसको मिलता है, इतनी मोहब्बत किसको मिलती है? मैं समझती हूँ प्रभु का आशीर्वाद है, और अगर मेरे और जनता के बीच में ये संवाद या वो अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी तो निश्चित रूप से हमें कभी इधर उधर तांझा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो चलना है, अपने काम में भिड़ना है, हमें आगे बढ़ना है बस, और इसी राह पर हम आगे बढ़ते चले गए।
क्या बात है, यानी अभी आपने यदि बीच में थोड़ा बहुत देखा होगा तो सौम्य और सरल सी और हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखने वाली आभा पांडे जी को गुस्सा भी आता है और वो गुस्सा सदन के भीतर देखने मिलता है। दरअसल मेरे एक परिचित पार्षद हैं, कुछ कभी बात हुई थी, उन्होंने मैंने बताया कि दीदी से मेरे दीदी मेरी पहचान की है, काफी अच्छे संबंध हैं, तो उन्होंने कहा वो ताई किसी को नहीं गिनती सदन के अंदर, ऐसी शुरू होती हैं, और उनका शब्द था बम्बार्डिंग करती हैं। क्या महापौर, क्या सत्ता पक्ष नेता, क्या विपक्ष नेता, ताई को रोक पाना नामुमकिन है। तो एक सामान्य जनता के प्रतिनिधि के रूप में जब आप निर्दलीय रूप से गई और निर्दलीय व्यक्तियों को बोलने का समय महापौर के ऊपर तय होता है कि भैया इनको कितना मिलेगा, महापौर जब भी आपके तरफ देखते हैं तो क्या उनके अंदर कभी कोई बैर भाव कि अरे हमारे पास तो मेजोरिटी है, इनको भाव नहीं दिया, तो ये कैसे आपने अपने लिए वहां पर अंदर बनाकर रखा है कि आपके फेवर में चीजें आती हैं? नहीं, वैसे हर महापौर जी ने मुझे बोलने दिया सदन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने रोकने की कोशिश की। एक दो बार तीन बार ऐसा हुआ भी, लेकिन मैं उनसे कहा करती थी कि आप नहीं चाहते क्या नागपुर शहर का विकास, आप नहीं चाहते, समस्याओं को हम उजागर नहीं करें क्या, अगर आप चाहते होंगे तो मैं बैठ जाती हूँ। तो वो तुरंत डर जाते थे कि अरे नहीं, हाँ बोला ताई तुमने बोला, तो ऐसा होता था तो मैं बोला करती थी। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी महापौर ने, लेकिन एक हाथ दो बार अगर हुआ भी तो मैं उनसे कटाक्ष करती थी कि आप चाहते हैं कि मैं समस्याओं को न उठाऊं, पब्लिक को समाधान न दिलाऊं, अगर आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। तो वो डर जाते थे और मुझे बोलने दिया करते। अच्छा दीदी, एक बार वो बोल कर दिखाएंगे डायलॉग कि चेहरे पर उसी एक्सप्रेशन के साथ आप चाहते हैं कि नहीं नागपुर शहर का विकास? क्योंकि मैं जब क्लास में डांटता हूं ना तो मेरे बच्चे बोलते हैं सर आप अपने चेहरे की हंसी तो कंट्रोल कर लो, तो क्या वहां हंसी नहीं आती आपको अचानक से? आती है, लेकिन उस वक्त हंसी नहीं, उस वक्त तो क्रोध में, क्रोध अपने आप आ जाता है क्योंकि हम अपने घर की समस्या नहीं उठा रहे, हम तो पब्लिक की समस्या उठा रहे। और अगर आप कहते हैं डायलॉग कहना है तो मैं कहके बताती हूँ कि माननीय महापौर जी, माननीय महापौर जी, जर तुम्हाला वाटत असेल कि मी जनतेचे प्रश्न इथे नाही मांडू, जर तुमची अशी मानसिकता असेल तर मी निश्चित रूपाने बसून जाते, परंतु जनता तुम्हाला कधी माफ करणार नाही। नहीं नहीं तई बोला 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 उनका ये रहता था। ओके, दिस माइंड ब्लोइंग। सच में यदि महापौर सामने बैठा हो और आभा दीदी वहां से, अच्छा यदि जनप्रतिनिधि को अपने साथ में अपना चुनाव सिंबल भी ले जाने की परमिशन मिले और आभा पांडे जी एक सिलेंडर के साथ अंदर जा रही है और वो बगल में रखा है, तो उसके बाद तो महापौर ने बोलना ही नहीं है कुछ। ताई तुमने बोला दीदी, एक सवाल है, सौम्य तिवारी है, सौम्य तिवारी पूछ रहे हैं कि राजनीति पर, राजनीति की जो इमेज है वो काफी खराब हो गई है, सो आज के युवाओं को क्या पॉलिटिक्स में जाने के लिए आप क्या संदेश देंगी, क्या उनके लिए आप मार्गदर्शन करेंगी? नहीं देखिए, राजनीति का माहौल कितना भी खराब हो लेकिन हमारी संवेदनशीलता अगर जनता के प्रति, जनता के काम करने की है, समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की है, तो गंदा राजनीतिक वातावरण कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर आपकी कर्तव्य परायणता है, आप में प्रामाणिक है, प्रामाणिकता है, आप ईमानदार हैं अपने कर्तव्यों के प्रति, जनता के प्रति सजग हैं, तो कोई राजनीतिक गंदा वातावरण आपको रोक नहीं सकता, ये मेरा मानना है। इसलिए हर युवाओं में बहुत प्रतिभा है, हर महिला में बहुत प्रतिभा है, केवल अपने प्रतिभाओं को दिखाने का जो भी अवसर मिलता है किसी ने नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे देखिए, जरूरी नहीं है, मैं मानती हूँ कि राजनीति में एक अवसर चाहिए। अब जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप क्या, आप ही मुझे 8-10 दिन पहले हमारी बात हुई थी कि दीदी आप विधानसभा कब लड़ेंगी। देखिए पदों पर मैंने आपको पहले भी बताया कि पद ही मायने नहीं रखते, लेकिन हाँ कई बार जब जनता समस्याएं ऐसी लेकर आती हैं हम तक कि हमें लगता है कि नहीं, ये तो हम जो सदन में बैठे हैं ये निचला सदन है, अगर हम उस सदन में होते, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहती हूँ कि बिजली बिल, अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं कि बिजली का बिल कम होना चाहिए,
और कांग्रेस के लोग लगे हैं कि पेट्रोल डीजल के भाव कम होना चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे को प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई कॉमन मैन की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है कि सच में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण कितनी मार हमारा आम पब्लिक झेल रहा है। बिजली के बिल जो बढ़ गए हैं उस पर अगर नहीं अंकुश लगाया गया तो हमारे लोगों की कमर टूट रही है। इतना लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति समझने को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे वक्त मुझे लगता है कि शायद अगर मैं उस सदन में हूं होती तो मैं निश्चित रूप से अपने पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ती। ये तो आरोप प्रत्यारोप से किसी का भला नहीं होने वाला, ये तो राजनीति है और ये सिर्फ राजकारण कर रहे हैं दोनों पक्ष। अगर सच में किसी भी सच मायने में अगर ये पब्लिक के नुमाइंदे होते और पब्लिक के लिए सोचते तो ये इस मुश्किल घड़ी में पब्लिक के साथ खड़े होते, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात तो ये कोई मायने नहीं रखता है। गंदा राजनीति कोई किसी को गंदा नहीं कर सकती। आपके विचार, आपके संस्कार, आपकी कर्तव्य परायणता, आपके कर्म और आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, ये आपको आगे लेके जाती है, राजनीति क्यों ना हो। क्या बात है। सो सौम्य को, मुझे उम्मीद है कि सौम्य को उत्तर मिल गया होगा। एक और उत्तर, एक और जिसका मैं संक्षिप्त में चाहूंगा उत्तर ताकि मैं अपनी बात आगे बढ़ा सकूं। एक प्रश्न आया है, प्रश्न ये है कि एनएमसी में युवाओं को मौका क्यों नहीं मिलता है। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में हो सकता है कि युवाओं को मौका क्यों नहीं मिलता है, इस पर आपकी क्या संक्षिप्त टिप्पणी क्या होगी। मेरी टिप्पणी यह है कि युवाओं ने अपने आप को जनता के बीच में ऐसा सजग करें कि आपको किसी पार्टी की जरूरत ना पड़े। अब पार्टियां अगर युवाओं को टिकट नहीं देती और इसीलिए युवा चाहता है कि मैं पीछे हूं, ये मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं निर्दलीय लड़ चुकी हूं चुनाव। मैं तो आगे भविष्य में ऐसे युवकों को जोड़ना चाहती हूँ और ऐसे युवकों को जोड़ के मैं निर्दलीय उनको चुनाव लड़वाना चाहती हूँ। मेरा भविष्य में मैंने ये सोच के रखा है कि ऐसे जो युवा हैं जिनमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा है, जो मेहनत है, जो मेहनत कर सकते हैं, जो ईमानदारी से जनता के बीच में अपनी बात रख सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, मैं ऐसे युवाओं को आगे साथ में लेकर काम करना चाहती हूँ। और ऐसे युवाओं को अगर लगता है कभी भी कोई मार्गदर्शन चाहिए तो निश्चित रूप से वो मुझे अपने निकट पाएंगे। बताएं मुझे कि कब कहां कैसी जरूरत है, मैं जरूर मार्गदर्शन करूंगी। क्या बात है जी। तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें उत्तर मिल गया होगा। दीदी आगे बढ़ते हैं। इस सेशन से पहले मैं आपके प्रभाग के कुछ लोगों से मैंने बात की, या कहें नागपुर से मैंने कुछ लोगों से बात की कोरोना को लेकर के। मुझे यह पता चला कि कोरोना के वक्त आपने बिना किसी भय, बिना किसी डर और अन्य चीजों को ना परहेज किए बिना आप लोगों के बीच में गई। ये जो कोरोना का पीरियड है, अभी जो कोरोना का समय शुरू है, इस कोरोना के भीतर एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन सी चुनौतियां थी। नहीं देखिए, जब हम एक जनप्रतिनिधि हैं तो कोरोना जैसा संकट क्यों ना आया हो, अगर हम कोरोना के विषाणु से डरते रहेंगे तो हम अपने पब्लिक को कब साथ जा पाएंगे। इस ये अवसर है कि हम अपने पब्लिक के साथ खड़े रहें, हम अपनी जनता के साथ खड़े रहें। मुझे दुख है इस बात का कि आज हर जनप्रतिनिधि, बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपने घरों में कैद हैं। हमने ऐसे वक्त कोरोना से न डरते हुए हमने बाहर निकलना चाहिए और हमने उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करीब करीब 3,000 ऐसे परिवार हैं मेरे प्रभाग के जिनको मैंने 15-15 दिनों का राशन दो बार दिया। डेढ़ महीने में दो दो बार 15-15 दिनों का राशन दिया। ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये मेरा नैतिक जवाबदारी बनती है, मेरा नैतिक फर्ज है कि अगर मेरी पब्लिक, मेरी जनता अगर किसी मुसीबत में है, लॉकडाउन के चलते वो कमा नहीं पा रही है, कारखाने बंद हैं, सारी चीजें बंद हैं, दुकानें बंद होने के कारण दुकानदार उन्हें रख नहीं रहे, उनकी रोजी रोटी छीन गई है, ऐसे वक्त में मैंने उनके साथ खड़ा रहना चाहिए और हर जनप्रतिनिधि ने उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं बस्तियों में गई, मैंने सारा सैनिटाइजेशन करवाया, जहां जहां जो पेशेंट्स निकल रहे थे, वहां बाहर जो पुलिस तैनात रहते थे वो लोग कहते थे मैडम हमने किसी जनप्रतिनिधि को कैंटोनमेंट एरिया में घूमते नहीं देखा, लेकिन बोले आप जाते हो। मैंने कहा नहीं, मेरी जवाबदारी मेरी पब्लिक तक पहुंचने की है, वो कोरोना से ग्रस्त हो या कुछ भी हो, मैं तो जाऊंगी। मैं आपको एक उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहती हूँ। आज से आठ दिन पूर्व तुलसी नगर शांति नगर का एक युवक जिसे कोरोना पॉजिटिव आया, उसको मेडिकल में एडमिट किया गया।
मेडिकल में एडमिट करने के बाद उसको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने के बाद उसको 1.5 घंटा कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं था, देखने वाला भी नहीं था, और उसको कह दिया कि जो बेड खाली है उस बेड पे आप जाके सो जाओ। वो बेड साफ सुथरे नहीं थे, एक बेड पे तो चद्दर नहीं थी, जो चद्दर थी वो काफी गंदी थी, लैट्रिन बाथरूम गंदे पड़े हुए थे, मतलब शीट पर सारा मैला तैर रहा था। उस बच्चे ने मुझे लाइव वीडियो चलाया मेरे साथ, मतलब व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग किया, बोला दीदी मुझे बचा लो, मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ मर जाऊंगा, अगर आपने आप मुझे ध्यान दीजिए मेरे तरफ, ऐसी ऐसी अव्यवस्था है, और मैं अभी अपने घर का सैनिटाइजेशन करके, सैनिटाइजर यूज करके मैंने घर का चद्दर बिछाया और मैं जमीन पर बैठा हूँ। मैंने तुरंत मेरे पतिदेव से कहा कि आपको मेरे साथ आना हो तो आइए, मैं तो चली मेडिकल, मुझे मेडिकल जाना है। मेरे पतिदेव बोले अरे तुम कोविड वार्ड में जाओगी, मैंने कहा हाँ मैं कोविड वार्ड में जाऊंगी, उस बच्चे के साथ अगर गलत कर रहा है तो प्रशासन को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आज कुछ भी आवाज उठाऊंगी। मैं गई, मैं कोविड वार्ड के सामने गई तो सारे लोगों ने मुझे घेर लिया। वहां लोगों ने मुझे बताया कि मैडम हम जब अपने परिवार के व्यक्ति के लिए, जिस जो कोरोना पॉजिटिव आया हम उसके लिए जब टिफिन लेके जाते हैं तो वो टिफिन रखने के लिए कोई टेबल नहीं है, वो नीचे रख दिया जाता है, और 2 घंटे बाद उस तक जब वो टिफिन पहुंचाया जाता है तब उसमें चींटियां लग जाती हैं। तो ये भयानक परिस्थिति जानते हुए मैंने तुरंत, जो डीन है हमारे सजल मित्रा जी, उनको फोन लगाया। मैंने बोला भाई साहब मुझे आपसे बात करनी है। बोले कहिए आप। मैंने बोला नहीं आप कहाँ हैं, मुझे, मैं आप तक 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। नहीं, बोले मैडम फोन पे बताइए। मैंने नहीं भाई साहब मैं आपके चेंबर के बाजू में खड़ी हूँ, आप चेंबर में हैं, मुझे पता चला मैं आपके सामने आ रही हूँ। और मैंने वहां उनको सारा वाकया बताया और मैंने उनसे कहा कि आगे अगर ऐसा कुछ भी रहा तो मैं आपके खिलाफ, आपके प्रशासन के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगी। जनता, इतना डिजास्टर मैनेजमेंट का इतना फंड आ रहा है, ये जा कहाँ रहा है? अगर हमारी पब्लिक को सुविधाएं नहीं मिल रही, कोई जनप्रतिनिधि उनके लिए आवाज उठाने खाली नहीं है? आप मेयो हॉस्पिटल का हाल देखिए, आप मेडिकल का हाल देखिए, क्या चल रहा है हमारे नागपुर में? अगर ऐसे वक्त जनप्रतिनिधि नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? क्या जनता ऐसे पार्टी के चुन के आए हुए नुमाइंदों को फिर से विधायक, फिर से नगर सेवक, फिर से बनाना चाहते हैं जनप्रतिनिधि, या फिर व्यक्ति देखना चाहते हैं? मैं इसीलिए कहती हूँ कि ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को चुनिए, पार्टी को मत चुनिए। मोदी जी काम करने नहीं आने वाले, उस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आमदार हैं, आप देखिए एक भी MLA ने कभी मेडिकल या मेयो का दौरा नहीं किया। मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप दौरा करिए, प्रशासन को हलाइए, आपको हिलाना पड़ेगा, आप नुमाइंदे हैं जनता के, आपको वो प्रयास करने पड़ेंगे। जनता बहुत भोग रही है, पूरा परिवार सफर हो रहा है, उनको पहचानने वाला कोई नहीं, उनको जानने वाला कोई नहीं, बाहर जो उनके परिवार का बंदा है उससे कम्युनिकेशन करने वाला कोई नहीं कि आज तुम्हारे पेशेंट की हालत क्या है। अगर यही हाल रहेंगे तो कितने पेशेंटों को हम बचा पाएंगे? इसीलिए मेरा निवेदन है सब जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, निकलिए अपने घरों से और जाइए मेडिकल और मेयो की हालत देखिए। और नहीं तो मेरे मन में तो सब चीजें है ही, मैं तो, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मैंने उस दिन भी डॉक्टर सजल मित्रा जी से कहा मेरे साथ कोविड वार्ड चलिए आप, मैं नहीं डरती कोरोना से। अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, जनता मेरे साथ है, मैं हर चीज से निकल जाऊंगी। लेकिन आज अगर मेरी जनता के साथ गलत हो रहा है तो इस वक्त मैं कोविड में जाना भी पसंद करूंगी। लेकिन वो बोले नहीं मैडम ऐसे कोविड इसमें नहीं जा सकते। मैंने बोला आप PPE किट पहन लीजिए, मैं चलती हूँ ऐसे ही। लेकिन वो आने तैयार नहीं हुए, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं आपका पूरा ये सब कराता हूँ। मेरा उनसे कहना ये था कि जिस बंदे ने मुझे फोन किया उसका तो सब कुछ आपने कर दिया, उसे ऊपर के वार्ड में शिफ्ट कर दिया, उसे साफ जगह दे दी, वहां की लैट्रिन बाथरूम साफ कर दी, लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, जो गरीब हैं, जो बेगर्स हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा? वो तो किसी को, जनप्रतिनिधि को जानते नहीं है, उनका किसी के साथ अप्रोच नहीं होता, फिर उनका, उनकी सेवा करने वाला कौन रहेगा? आपको करना है तो आप सबके लिए एक जैसा करिए, ऐसा मैं उनको ये करके आई थी, बोल के आई थी कि आपको ये सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा मैं मेडिकल के सामने आके आंदोलन करूंगी, फिर पुलिस अगर मुझे हाथ लगाएगी तो भी मैं वहां से हटूंगी नहीं। ये मैं उनसे कह के आई थी। तब से थोड़ी स्थितियां सुधरी हैं। आप पालक मंत्री जी से भी मैंने फोन पर संपर्क किया और उनसे भी कहा, बड़े नेताओं से, कि अस्पतालों पर ध्यान दें। आज अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है। कोविड अगर किसी
घर में अगर कोविड पॉजिटिव पाया गया तो उसके परिवार की मानसिक हालत तो इतनी खराब हो जाती है, वो डर जाता है। क्योंकि आप देखिए कोविड के बारे में पूरा निगेटिव निगेटिव प्रचार चल रहा है, हम टीवी खोले हम अखबार पढ़े कि आज इतनी मौतें हो गई इतना हो गया, पॉजिटिव चीज नहीं है निगेटिव ज्यादा है, तो हमारा जो ऑरा बना हुआ है वो ऑरा भी पूरा निगेटिव है। तो ये निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमको उनके साथ खड़े रहना पड़ेगा, हमें पेशेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। नहीं है प्रशासन के लोग तो हम जैसे लोगों का उपयोग करें बड़े नेता, हम जाएंगे कोविड वार्ड में, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, हम उनके लिए भजन गाएंगे, हम उनके लिए प्रे करेंगे, लेकिन ऐसे वक्त उनका मानसिक संतुलन बनाए रखना ये हमारी जवाबदारी है, उनके मनोबल को उठाना ये हम सब जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है। इसीलिए मैं पालक मंत्री जी से भी निवेदन करती हूँ, बाकी मंत्रियों से भी निवेदन करती हूँ, बाकी एमएलए से भी निवेदन करती हूँ कि घर से निकलिए। और अस्पतालों का हाल देखिए, अस्पतालों के हाल बहुत बुरे हैं नागपुर के, ऐसा मत करिए नहीं तो ये जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। क्या बात है, कहने का मतलब ये है दीदी ने जो किस्सा पूरा वाक्या सुनाया उससे दो चीजें स्पष्ट होती है। नंबर एक कि जनप्रतिनिधि का काम आपने पिछले 5 वर्ष या पिछले अपने कार्यकालों में क्या किया वो एक अलग चीज है, लेकिन जो एक आपात समय आया है, जो सबसे कठिन समय आया है, इस कठिन समय में आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिल रहा है। और आभा दीदी ने अपने आप को साबित करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के प्रति उनका जो विश्वास है उस विश्वास की खातिर यदि कोई वीडियो कॉल करता है, और दीदी की बात बिल्कुल सही है कि उनका क्या, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास जनप्रतिनिधियों का नंबर नहीं है, जो संपर्क नहीं कर सकते कि आभा पांडे कौन है, नितिन राउत जी कौन है, नितिन गडकरी जी कौन है, जो संपर्क नहीं कर सकते या जिनके अंदर संपर्क करने के कोई साधन ही नहीं है, उन व्यक्तियों का क्या होगा। सो दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं, जो लोग अपने घरों से अभी भी बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये सवाल करने के पीछे का कारण ये है कि मुझे अखबारों और अन्य चीजों के माध्यम से जब लोगों से चर्चा की मैंने सत्र से पहले, तो सबने बताया कि आभा पांडे जी निर्भीक होकर के निडर होकर के शहर में कोरोना पॉजिटिव जितने पॉजिटिव हुए हैं उन लोगों की मदद, और मानसिक संतुलन की जो आपने बात की दीदी, वो मानसिक संतुलन सचमुच में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज यहां सवाल ये है कि आपका जो ये स्वभाव है झट से तुरंत डिसीजन ले लेना, निर्णय ले लेना कि आप सदन से बाहर निकली और जल त्याग कर दिया और बिज्जू भैया को फोन कर दिया, फिर आप तुरंत उनको बोला कि मैं मेडिकल जा रही हूं चलना है तो चलो, क्या कभी भैया की तरफ से शिकायत नहीं हुई, वो ऐसे देखते तो नहीं रह गए इसको क्या हो गया अचानक, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? नहीं वो पहले तो ऐसा कहते हैं थोड़ा सोच समझ के करो, मैंने बोला नहीं मैंने सब सोच लिया समझ लिया, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे साथ वार्तालाप करते हैं वो कई बार रोते हैं, कई बार अपनी जो भावना बताते हैं अपना दुख बताते हैं, उनको वो उन तक नहीं पहुंच पाती ना वो भावना तो मैंने सुनी है और इसीलिए मेरा रिएक्शन वैसा रहता है। फिर मैं उनको बताती हूँ सब सोच लिया समझ लिया, सब बाजू से सोच लिया, आपको मेरे साथ चलना है चलिए नहीं तो मैं तो चली, तो उसमें उनका कभी विरोध नहीं रहता, वो खुद ही आते हैं मेरे साथ, मेडिकल भी आए ही थे वो, हालांकि मैंने उनसे कहा नहीं भी आए तो आप चलेगा मैं तो जाके अकेली निपट सकती हूँ। तो ऐसा हर पति ने अपनी पार्षद पत्नी को सक्षम बनाना चाहिए, मुझे प्राउड है मेरे पति पर जिन्होंने अपनी पत्नी को इतना आगे बढ़ाया। हमेशा जब मैं सदन में अच्छा बोलती हूँ और उन्हें लोग बताते हैं कि नहीं आज भाभी ने अच्छा बोला, तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं और मुझे बोलते हैं कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा तुमने आज बहुत अच्छा बोला, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। तो घर का प्रोत्साहन बेहद जरूरी होता है। मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ, सदन की चर्चा निकली इसलिए नागपुर एक विधायक हैं, विदर्भ के विधायक हैं, उनकी पत्नी नई नगर सेवक या पार्षद बनी, तो विधायक पति ने फोन करके दीदी को ये कहा कि जरा इनका ध्यान रख लेना, इन्हें भी कुछ बोलना सिखा देना। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन दीदी को बोला गया, यानी अंदर जब आप अपनी पहली बार पार्षद पत्नी को भेज रहे हो या आप रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हो किसी भी स्तर पर, तो दीदी को एक आइडियल लेकर के एक प्रेरणा के रूप में लेकर के लोग देखते हैं, लोग जानते हैं और पहचानते हैं। दीदी कोरोना पर लौटते हैं और ये जो कोरोना है, इस कोरोना के भीतर में ये बताइए कि जो महानगर पालिका की तरफ से और आयुक्त साहब की तरफ से जो खींचतान है,
क्या इस खींचतान के भीतर जनता परेशान नहीं हो रही है, प्रशासन की लड़ाई में लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल, ये मैं तो कहती हूँ ये वो दौर ही नहीं है कि हम आरोप प्रत्यारोप करें पदाधिकारी अधिकारियों पर और अधिकारी पदाधिकारियों पर। ये जो दौर है ये बहुत ही संवेदनशील दौर है, इसमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और आरोप प्रत्यारोप का ये वक्त नहीं है, ये वक्त है हमें लोगों को संबल देने का, लोगों को संभालने का, लोगों को आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं हम उन्हें कैसा सबल कर सकते हैं, उनके उद्योग धंधे जो बंद हो गए उनको हम कैसे कर सकते हैं, क्या मदद हम दिला सकते हैं, बाकी संस्थाओं से क्या मदद कर सकते हैं, हमने उसमें प्रयास करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। राजकारण नहीं, हमें समाज सेवा करनी है, ये दौर समाज सेवा करने का है। जी मुझे ये बताएं कि मुंडे जी से आप सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं देखिए, मुंडे जी ने जो कोविड के मामले में जो निर्णय लिए हैं कोविड के उद्देश्य से वो तो बहुत ही सफल भी हुए हैं, ये तो पूरे शहर ने देखा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो जो काम बहुत अच्छा करते हैं तो उसमें प्रशंसा उनकी करनी ही चाहिए और उनकी प्रशंसा पूरा शहर कर ही रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का ये वक्त नहीं, वो हम बाद में लड़ेंगे, उनसे क्या लड़ना है। लेकिन अभी जो वो अच्छा काम कर रहे हैं हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हाँ रही बात, कई लोग कहते हैं कि नगर सेवकों के साथ उनका बिहेवियर, ठीक है मैं ये मानती हूँ कि जनप्रतिनिधि भी जो चुन के आता है उसे जनता चुन के देती है। आज हमें 70,000 मतदाता हमारे प्रभाग में है, तो पब्लिक ने हमें चुन के दिया, तो आदरणीय मुंडे जी ने हम लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। अगर हम उनके पास किसी मुद्दों को लेकर जाते हैं तो वो उन्हें गंभीरता से सुनना चाहिए और उन्होंने करना चाहिए। मैं तो जितनी बार उनके पास गई उन्होंने उसे सुनकर बहुत अच्छे से कार्यान्वित किया है। तो आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में कभी ऐसा लगा कि आदरणीय तुकाराम मुंडे जी ने आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसकी आप हकदार हैं, जो शिकायत नागपुर के अन्य जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं मेरे साथ जब भी उनका वार्तालाप हुआ या जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया, इसलिए मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों के साथ अगर ऐसा हुआ भी है तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय मुंडे जी से कम आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर आप जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान करें, उन्हें भी विश्वास मिले, तो इस शहर में और अच्छा काम हम कर सकते हैं, ये मैं इसमें उनसे निवेदन करती हूँ। बाकी उनके हर अच्छे काम में मैं उनका समर्थन करती हूँ, ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता रहती है, होनी चाहिए और नागपुर को आवश्यकता है। किसी भी शहर के विकास के लिए डेडिकेटेड डिटर्मिनेटेड और डिसिप्लिन अधिकारी की जरूरत है, तो वैसे ही जनप्रतिनिधियों की भी जरूरत है। यदि सदन के अंदर में 130 से अधिक पार्षद बैठे हुए हैं और उन पार्षदों के ऊपर में उस शहर की जिम्मेदारी है, और जब एक कठिन समय चल रहा है, कठिन दौर चल रहा है, तो इस कठिन दौर के भीतर में उन सभी को मिलकर के साथ आकर के काम करने की जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि कुछ और करने की। दीदी ये जानना चाहेंगे आगे क्या, पार्षद हो गया, स्थायी समिति अध्यक्ष भी हो गया, आगे क्या क्या सोचा है आगे के लिए आपने, क्या देखते हैं आगे? नहीं आगे भी मैं जनता के बीच में ही रहना चाहती हूँ, जनता के बीच में ही रह के मैं काम करना चाहती हूँ। और देखिए पदों पर तो जनता ही बिठाती है, राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहाँ हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, जनता ही हमको आगे आगे पदों पर बिठाती है, नहीं तो मेरे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं था कि एक इंडिपेंडेंट हम 4 वार्ड के प्रभाग में आ सके, जिसमें मेरे प्रभाग का केवल 20% हिस्सा था और 80% हिस्सा दूसरी नगर सेवकों का था जो 3-3 टर्म से नगर सेवक थे, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब मैं ये बोलूं कि भाई मैंने विधायक बन जाना चाहिए, मैंने ये बन जाना चाहिए, लेकिन हाँ ये कई बार लगता
ता जरूरी इसलिए है कि जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक का विषय बताया, बिजली बिल का विषय बताया, तो ये मैं निचले सदन में नहीं रख सकती हूँ, महानगर पालिका के सदन का विषय नहीं है। ऐसे वक्त मुझे लगता है बेरोजगारों को जब रोजगार देने की बात आती है तब मुझे लगता है मैंने उस सदन में होना चाहिए। जब सुशिक्षित बेरोजगार जब भटक रहा रहता है तब मुझे लगता है कि मैंने उस सदन में होना चाहिए। जब गरीबों पर अन्याय होता है, जब शासकीय योजनाओं का लाभ जब नहीं मिलता है, मुझे बताइए जितनी शासन की ये योजनाएं हैं ये हर बैंकों के मार्फत संचालित होती है और बैंक वाले उनको कोई कभी भी प्रोत्साहन नहीं देते, जनता को बार बार उनको लौटाते हैं, आप जाइए अभी मत आइए, बाद में आइए ऐसा करके, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान क्यों नहीं देता कि जो शासकीय योजनाएं हम बैंकों द्वारा चलाते हैं तो बैंकों के भी प्रशासन को हमने लेकर बैठना चाहिए, उन्हें डांट डपट करना चाहिए कि हमारी जनता को तकलीफ ना हो, कैंप लगाओ, इनके सारे फॉर्म चाहे वो मुद्रा लोन के हो चाहे वो कोई भी हो आप करके दो। ऐसे वक्त मुझे लगता है कि मैंने शायद उस सदन में होना चाहिए। यानी और वो जनता अगर आशीर्वाद देगी, जनता अगर सोचेगी, तो आने वाला वक्त भी आप और हम सभी देखेंगे। 100% ये तो तय है क्योंकि जो सेशन चल रहा है सेशन के भीतर में कई सारे लोगों के कमेंट आ चुके हैं कि आभा दीदी पूर्व नागपुर की विधायक है, आभा दीदी पूर्व नागपुर से विधायक बनने वाली है, सो भावी विधायक हो या भावी सांसद हो ये एक अलग चीज है, लेकिन जो जनता का प्यार है, जनता का दुलार है, अभी एक कमेंट मेरे सामने है कि 24 घंटे यानी आधी रात को भी आभा पांडे जी उपलब्ध रहती हैं। और मैं इसी पर से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप आधी रात को भी लोगों के लिए उपलब्ध हैं तब क्या बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की कि मम्मी हमारे लिए समय कब? नहीं, देखिए बच्चे तो यूज्ड टू हो गए हैं, बच्चों को पता है कि मम्मी को कभी भी फोन आता है, मम्मा को कभी भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कभी भी किसी के पारिवारिक कलह में मम्मा को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो बच्चे तो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। सिर्फ उनका ये रहता है कि हम जब कहीं बाहर आप हमको खाना खिलाने ले जा रहे हो या कहीं घूमने ले जा रहे हो तो फिर आपने पूरा समय हमारे ही साथ रहना चाहिए, उनकी जिद रहती कि आप मोबाइल बंद करो, पहले मम्मा आप मोबाइल बंद करो तब हमारे साथ रहो, तो वहां मैं थोड़ी सी अड़चन जरूर महसूस करती हूँ। क्या बात है, मैं फिर से अभी थोड़ा सा ये पॉलिटिकल थोड़ा सा अलग करते हैं और जो आपसे लोग जानना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, मैं उस पर आता हूं। कभी ऐसी कोई नोकझोंक याद आती है बिजू भैया के साथ में कि आपने समय दिया हो भोजन का और आप लटक गई किसी कार्यक्रम में, और या आपके बीच में धर्म संकट आ गया, वहां भी जाना है और भोजन पर भी जाना है, किसको चुना आपने ऐसे वक्त? नहीं, उसमें कभी नोकझोंक नहीं हुई क्योंकि दोनों एक ही फील्ड के हैं, जब पति पत्नी एक फील्ड के होते हैं तो बहुत सारी नोकझोंक अपने आप समाप्त हो जाती है, वो सारी अड़चनों को समझते हैं, मैं सारी अड़चनों को समझती हूँ और हम लोग उसमें से मार्ग निकालते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि बाई सुबह से खाना बना के जाती है और हम लोग 4 बजे जब घर पहुंचते तो हमको अपने हाथ से लेना पड़ता है, या मैं घर नहीं पहुंची तो मेरे पतिदेव स्वयं अपने हाथ से खाना लेकर खा लेते हैं, तो ये तो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये आपके माध्यम से मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से सवाल है, आप कितना प्रतिशत मानती हैं कि हमारा जो व्यक्तिगत, आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है, आपका जो व्यक्तिगत लाइफ है, लाइफस्टाइल कहें, वो कैसे परिवर्तित हो जाता है? आप वेकेशंस पर नहीं जा पाती, आप छुट्टियां नहीं मना सकती, आप किसी अन्य प्रकार से लंबी छुट्टियों पर शहर से बाहर नहीं जा सकती, किसी दोस्त रिश्तेदार की शादी ब्याह में या वहां पर गए हैं तो वहां फोन बज रहे हैं, सो ये इस वक्त आप क्या कहती हैं कि जनप्रतिनिधियों के जीवन में जो लोगों का या जनता का जो इस प्रकार का योगदान आ जाता है, तो व्यक्तिगत लाइफ जो है, हमारी जो इंडिविजुअल लाइफ है, वो कितने प्रतिशत आपकी नजर में प्रभावित होती है? नहीं, देखिए इंडिविजुअल लाइफ तो बहुत जगह प्रभावित होती है जी। लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में काम करते हैं और हम सेवाभावी हैं तो हमें कभी ये सब चीजें नहीं लगती, क्योंकि मन में ये है ही नहीं कि मैंने घूमने जाना चाहिए, मैंने अपने पति के साथ इतना टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैंने अपने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये मन में ही नहीं है, इसलिए प्रभावित ही नहीं करती ये बात।
अगर मन में लगता रहे, कचोटता रहे कि अरे हम तो घूमने ही नहीं जा पाए, हम तो आज लंच पे ही नहीं जा पाए, हम तो आज डिनर पे ही नहीं जा पाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की जिद की वजह से प्रोग्राम बनता है लेकिन कई पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, कभी डीसीपी ऑफिस, कभी सीपी ऑफिस, तो वो प्रोग्राम हमारा फेल हो जाता है। बच्चों की थोड़ी नाराजगी जरूर सहन करनी पड़ती है लेकिन ऐसा प्रभावित कुछ नहीं होता। अपने आप को वैसा तैयार करिए, अपने परिवार के सदस्यों को तैयार करिए, कोई प्रभावित जैसा कोई शब्द आपके बीच में नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। क्या बात है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जितने भी रूप आभा पांडे जी के हैं, उन सभी रूपों में यदि उनकी सबसे बड़ी ताकत है तो उनका मेंटली प्रिपरेशन है। उन्होंने खुद को भी प्रिपेयर किया है और उन्होंने अपने परिवार को भी प्रिपेयर किया हुआ है। उन्होंने अपने साथ में अपने परिवार को प्रिपेयर करके रखा है ताकि वो लोगों को दिखा सके और जी बिजली चली गई थी जी। हाँ आगे बिजली इधर पर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो आभा पांडे हर रूप में यदि दिखाई देती हैं तो हर जगह पर सक्सेस और सफल है। दीदी एक सवाल आया है मेरे पास, सवाल ये है क्या अगला चुनाव भी आप निर्दलीय रूप में लड़ना चाहेंगी? लेकिन इस सवाल के साथ मैं मेरा सवाल जोड़ रहा हूं, यदि आप निर्दलीय रूप में लड़ती हैं तो क्या महापौर का पद आपको कभी मिल सकता है निर्दलीय के रूप में? नहीं, देखिए ये प्रश्न तो आने वाली परिस्थिति ही बताएगी, आज हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि महापौर संख्या बल के आधार पे बनता है। अगर संख्या किसी पक्ष में कम हुई और उनको इंडिपेंडेंस की जरूरत है तो वो कह सकते हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम इंडिपेंडेंस का मेयर बनाएंगे। ये तो उस समय की परिस्थितियां क्या रहती है उस पर डिपेंड करता है। और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी क्या? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और मैं कुछ युवाओं को, कुछ महिलाओं को ऐसा तैयार कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ निर्दलीय चुनाव लड़े और शहर में एक मैसेज जाए कि पार्टी मायने नहीं रखती, व्यक्ति मायने रखता है। ऐसे ऐसे सुशिक्षित युवाओं को जिनमें काम करने की प्रेरणा है, जिनमें काम करने की ललक है, जो कर्तव्य परायणता का जिनने व्रत धारण करके रखा है, जो सेवा भावी है, ऐसे सभी युवाओं को, महिलाओं को साथ में लेकर अगला चुनाव हम निर्दलीय लड़ेंगे, उन सबको अपने अपने प्रभाग में लड़ाएंगे, उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। क्या बात है, यानी 2022 में आने वाला जो नागपुर महानगर पालिका का चुनाव है वो नागपुर महानगर पालिका के लिए आभा जी ने अपनी तरफ से तैयारी ऑलमोस्ट करके रखी हुई है कि उन्होंने किस रूप में उतरना है, किस रूप में जाना है। दीदी कुछ एक सवाल लेकर के हम आपसे आज की जो हमारी बातचीत थी उसको समाप्त करेंगे। कुछ जो ऐसे सवाल हैं जो जनता के बीच से आए और कुछ मेरे सवाल, एक सवाल आया हुआ है, सीएम के रूप में कभी सोचा है आपने अपने आप को? नहीं, मैंने कभी ऐसा सीएम के रूप में अपने आप को नहीं सोचा जी। देखिए राजनीति में कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती, राजनीति में हर पद पर आपको जनता बिठाती है। मेरे सोचने से कुछ नहीं होता कि मैं आज प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं आज गवर्नर बन जाऊं, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आप अपने कर्मों के प्रति कितने ईमानदार हैं, कितने प्रामाणिक हैं, और अगर मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं कौन कौन से पदों पर विभूषित हो सकती हूँ जी, क्या बात है, आने वाला वक्त बताएगा जी। क्या बात है। सो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें, एक दो सवाल जो बहुत जरूरी है वो ये है कि क्या आभा पांडे की कोई कमजोरी है? मेरी कमजोरी तो मैं नहीं कह पाऊंगी, मेरा ये अच्छा गुण मैं समझूंगी, बाकी राजनीतिक लोग उसे अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि समस्या आते साथ मैं उसे कैसा छुटकारा दिला सकती हूँ, उसके लिए मैं जिस तरीके से दौड़ धूप करती हूँ, ये कई लोगों को पछता नहीं है राजनीति में। हमारे साथ वाले ही जो कुछ लोग रहते हैं उनको लगता है अरे इसके पास तो समस्या गई तो ये शुरू हो जाती है, तो कई लोगों को लगता है इसके पास लोगों ने जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जहां जनता को समाधान मिलता है जनता वहां जाती है बराबर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक अंतिम सवाल,
दीदी ये बताइए, ऐसी कौन सी कमजोरी है, सॉरी ऐसी कौन सी ताकत है जिसके कारण आभा पांडे आज लोगों के दिलों पर राज करती है, लोगों के बीच रहती है, कौन सी ऐसी ताकत है? नहीं देखिए, उसमें एक ताकत का जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगी, प्रभु, प्रभु की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, और प्रभु की सेवा, ये जन सेवा अगर हुई तो वो प्रभु की सेवा होती है, तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बात हो। मुझे ये लगा था आपकी तरफ से उत्तर आएगा बिज्जू भैया के नाम के, सो ये बिज्जू भैया को आज पता चल गया कि आदरणीय आभा जी नहीं, नहीं मैंने वो तो मैंने पहले ही बताया, वो तो देखिए मैं जो जितनी सफल हुई हूँ उसके पीछे मेरे पतिदेव का कितना हाथ है, वो मुझे, आपने पूछा था कि वो आपको कितना प्यार करते हैं, तो मैंने आपको ये बोला कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है उनके प्यार की, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना आगे लाया। कोई भी राजनीति में जो पति है, वो आज की जो डर्टी पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं घिनौनी राजनीति, उसमें अपनी पत्नी को आने देना नहीं चाहते कोई भी पति, लेकिन मेरे पति ने मुझ पर पूरा विश्वास किया, पूर्ण विश्वास किया, इसलिए उनकी ताकत, उनका वो, उनका वो संबल, उनकी वो हिम्मत, उनकी ताकत तो मेरे साथ है ही है, सवाल ही नहीं उठता। क्या बात है। और जनता की ताकत जी। दीदी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और जितने सवाल थे आपने बखूबी उनके उत्तर दिए, और मेरा उद्देश्य ये था कि लव जिंदगी के अंदर हम आभा पांडे जी को वो रूप में दिखा पाए जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, पॉलिटिकल बातें, ये सारी चीजें हमारा उद्देश्य नहीं था। कुछ चीजें हालांकि हमने चर्चा की, लेकिन आभा पांडे जी क्या हैं व्यक्तित्व के रूप में, हम वो जानना चाहते थे। जाते जाते खत्म करने से पहले इस सत्र को या इस बातचीत को, मैं आपसे ये एक संदेश चाहूंगा कि आप महिलाओं को या आज की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी वो करना चाहती हो। मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि कोरी कल्पनाओं से मंजिल तय नहीं होती, कोरी कल्पनाओं से मंजिल तय नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि कल्पनाओं में बहुत विचरण करती हैं महिलाएं, तो कोरी कल्पनाओं से मंजिल तय नहीं होती, उसे सच का आधार चाहिए, सपनों में उड़ना छोड़िए जनाब। क्या बहनों, सपनों में उड़ना छोड़िए, जमीन को ठोस आकार चाहिए, जमीन को ठोस आधार चाहिए, हम आधार के साथ में चलेंगे, हम आकार के साथ में चलेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी, और हम ये साबित करें कि हम महिला हैं इसीलिए हम सक्षम हैं, हम महिला। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने उस दिन मेरे हस्बैंड को, मेरे मन में अचानक विचार आया कि अभी बहुत हो गया महिलाओं के खिलाफ चुनाव लड़ लड़ के, अभी तो मुझे किसी पुरुष के खिलाफ चुनाव लड़ना है, और मुझे साबित करना है कि एक तो ये उस पर उस प्रश्न का जवाब है ये। तो महिलाएं बहुत सक्षम होती हैं, मौके अगर मिलते हैं तो उस मौकों का लाभ नहीं ले पाती, अपने आप को उन मौकों में झोंक नहीं पाती। अगर हम उन मौकों को, जिन मौकों की तलाश है, वो मौके अगर हमें मिलते हैं तो उसमें हमने मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा जा सकता है, वो राजनीतिक क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, वो सर्विस लाइन हो, कोई भी सेक्टर हो, अगर हम ईमानदारी से बढ़ते हैं, मौके जो मिल रहे हैं उसका हम उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, तो हर महिला आगे बढ़ सकती है, ये मेरा मानना है और ये मेरा विश्वास है। क्या बात है। दीदी जाते जाते एक कोई गीत के शब्द गुनगुना कर जाइए बिज्जू भैया के लिए। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दीदी। यानी सही रूप में जो आप सचमुच में बिज्जू भैया का जो आपके प्रति विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है,
या मैं ये कहूं कि एक स्त्री को जो चाहिए होता है अपने परिवार से, जो उन्होंने आप पर विश्वास दिखा करके आपको दिया है, वो काबिले तारीफ है। और वो आज मैं इस सेशन के बाद ये कहता हूं कि आज वो जितना भी उन्होंने आप पर विश्वास दिखाया था, वो अकेले में बैठकर मुस्कुराते होंगे, अकेले में बैठकर उन्हें फक्र होता होगा कि मैं आभा पांडे का पति हूं, मैं आभा से जुड़ा हुआ हूं और आभा का मेरा विश्वास जो था वो सही रूप में मेरा आज सही साबित हो रहा है। सो दीदी, ये जो सत्र था, ये जो सेशन था, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा कहीं किसी प्रकार से। यदि आपको ऐसा लगा हो कि कुछ सवाल ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए से, सो छोटा भाई होने के नाते वो पूछना हमारा अधिकार था, और जनता प्रतिनिधि आप हैं तो जनता भी आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि नेता या जनप्रतिनिधि केवल चुनाव तक सीमित नहीं होता, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि आभा पांडे का अपने बच्चों के प्रति क्या सेक्रीफाइस है, क्या समझौता है, पति से क्या समझौता है, परिवार से क्या समझौता है, सुबह की रोटी या सुबह की चाय लेकर के निकली है, दोपहर का खाना कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जितनी चीजें हैं, हम नेताओं पर क्या करते हैं कि हम नेताओं पर केवल टीका टिप्पणी करते हैं, हम केवल उन्हें बुरा भला कहते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारी सोसाइटी में इन पॉलिटिशियंस को, इन नेताओं की अच्छाइयों को लाना पड़ेगा जो सही रूप में उस लायक हैं, सही रूप में उस काबिल हैं। तो दीदी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, आपने फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से जो संवाद का बनाए रखा, इसलिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे ताकि लोगों के बीच जनता प्रतिनिधि के रूप में हम बता सकें कि आभा पांडे जी एक प्रतिनिधि, एक व्यक्तित्व, एक हर प्रकार के रिलेशन और संबंध में कितनी परफेक्ट है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग जुड़े उन सभी का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने टिप्पणी की, कमेंट किया, उन सभी का बहुत शुक्रिया। कल मेरे साथ संवाद देखना ना भूलें, रविवार को 26 तारीख। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद।